Welcome back after a very very long time <laughs> to a very very special podcast with a very very special guest. Uh I before, I told you that uh, Alhamdulillah, as many of you might know from Instagram, my surgery was uh, successful and uh, I have Alhamdulillah, Alhamdulillah, 95% recovered. 5% made the speech stories are different, uh but the doctors are saying that over the next two months will be. स्टेबलाइज हो जाएगी तो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू गाइज जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं किं बहुत ज़्यादा यू यू सेंट इन द कांडेस्ट प्रेयर्स एंड वेल विशेज तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ दैट आई एम गोइंग टू डू अ डिटेल्ड एपिसोड ऑन दैट एक्सपीरियंस एंड यू नो द रिहबिटेशन एंड एवरी थिंग विद माई सर्जन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है एंड ईज गी कमिंग इन मे बी फॉर द सेकेंड और थर्ड एपिसोड बट वी गटार्ट दिस एपिसोड विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट और ये इस वजह से हुआ है मैंने वैसे फिफ्टीन ऑफ सेप्टेम्बर को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी थी बट आज गालिबा फिफ्थ ऑफ सेप्टेम्बर है आ, और ये गेस्ट जो हैं एक तो आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किया था और मुझे ये स्पेशली इस्लामाबाद आए हुए थे थॉट की लेट्स डू दिस अर्लियर दैन प्रीवियसली आज हमारे साथ मौजूद हैं सनी अली दी ई ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स सर थैंक यू सो मच वइिंग फॉर दिस शो थैंक यू बहुत शुक्रिया अच्छा आई नो के अब आपने क्योंकि गेस्ट का नाम सोना है आपको पता है इनकी एक पोस्ट भी आई है आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि पता नहीं यहाँ पर कोई शाहजेब खान ज़्यादा स्टाइल टॉक शो होने वाला है तो मुर्गनाज वेल बट अगर आप सिर्फ उन सवाल के लिए आए हैं तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि अब हमारा एक फॉर्मेट है वो पूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन जंप डाउन चैप्टर्स में आपको नजर आ जाएगा टू द एंड ऑफ द कॉन्जेशन वे गोइ इन टू दो क्वेश्चन स्टार्ट ऑफ यू नो दिस एपिसोड सनी भाई थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि यू नो आपने कहाँ पर अपनी अर्ली लाइफ गुजारी एंड यू नो हाउ डिड यू एंड बिकमिंग सनी अली मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है नाइनटीन नाइनटी टू से um, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ वहीं पे रेजअप हुआ हूँ नाइनटीन में पैदा हुआ हूँ मैं नाइनटीन में आ, अबू ने हमारे एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर काम शुरू किया आ, मैं भी प्रोग्रामर बन गया उस चक्कर में मैं उस वक्त ग्रेड एट में शायद था तो हार्डवेयर फिक्स करना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाना आ, तो वो मेरा काम था बेसिकली फिर नाइनटीन में बहरिया में मैंने ग्रेजुएशन की अपनी बहरिया कॉलेज में पढ़ाऊँ मैं कराची में और उसके बाद मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया है कंप्यूटर इंजीनियर एज़ ए कंप्यूटर इंजीनियर मेरे पास नेटवर्क की काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन थी एम सिस्को वगैरह की फिर उसके बाद 2001 के बाद मैं 2001 में सिंगापुर चला गया सिंगापुर मलेशिया में काम किया वहाँ पे नेटवर्क साइड पे करते हैं जी बिल्कुल एज आई टी कंसल्टेंट नैटवर्क इंजीनियर फिर वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया वहाँ पे टाइम गुजारा आ, फिर वहाँ पे मैं इमिग्रेशन ले ली मैं उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी बन गया तो वहाँ पे मेरा बिजनेस पहला मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इनफैक्ट करियर तो मैं नाइनटीज नाइन्टीज़ में ही अपने फादर के साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में ही होता था, था वहाँ पर मैं काम करता था टीचिंग भी करता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता था सारे काम होते थे ऑस्ट्रेलिया में भी वही काम मैंने कंटिन्यू किया मैंने नेटवर्क कंसल्टेंसी स्टार्ट की टू uh, थाउजेंड में मैं पहली बार फिर बैंक करप्ट हो गया अच्छा और वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फंडिंग कम हो गई और फिर हमारा बिजनेस काफ़ी हुआ अफेक्टी चीज़ के बारे में आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज तो आपने जो आपकी कोर थी आपने उसी को आगे वॉइस ओवर आईपी, सिक्योरिटी सारे में काम करता था राइट <coughs> right. वहाँ से फिर 2009 में मैं फिर मलेशिया आ गया क्योंकि शुरू से हमेशा से मलेशिया में रहने का मुझे शौक था मुझे पसंद था मलेशिया uh, मलेशिया में आके दोबारा फिर मैंने सेकेंड टाइम नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया और इस बार मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया तो इस बैस, बेसिकली मैं एक्सप्लोर कर रहा था ऑनलाइन बिजनेसिस uh, मैं चाहता था कि ऑनलाइन बिजनेस हो पैसे मैं, uh, से में डेवलप वर्ल्ड से कमाऊं रहूं मैं सस्ते मुल्क में तो महंगी जमीन से पैसे कमाऊं सस्ती जमीन पर रहूँ वर्ड मैं ये चाहता था क्योंकि अब की बार मैंने लेसन लर्न किया था कि uh, मैं एक मुल्क की इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसकी वजह से बैंक हुआ था राइट right. तो इस चक्कर में मैंने काफ़ी पैसे लगाए काफ़ी ट्रेनिंग कोर्सेज़ लिए काफ़ी प्रोग्राम डिफरेंट ट्रेनर डिफरेंट कंपनियों के प्रोग्राम्स लिए। तो एक सिंगापुरियन कंपनी थी उनके प्रोग्राम ज्वाइन किए फिर एक ई का प्रोग्राम किसी का था मलेशिया में मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया वहाँ से मुझे थोड़ी सी इंस्परेशन आई कि मुझे ये ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए वो मैंने स्टार्ट किया ई uh, बे के ऊपर अमेजोन के ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर वो सब बेचना शुरू किया ऑनलाइन बिजनेस मेरा चल पड़ा uh, फिर मैं 2011 में दोबारा बैंक हो गया अच्छा अगर मैं थोड़ा सा आपके इसके बारे में पूछूंगी जो 9 से 12 के दरमियान आप ई कॉमर्स कर रहे थे तो उसमें कौन सी मार्केट्स में आप ऑपरेट कर रहे थे यूएस एस मैं यू में ऑपरेट कर रहा था इसके अलावा यू में दो मेजर मार्केट्स थे मेरी इसके अलावा जो मेरी वेबसाइट थी वो ग्लोबल थी

तो वो खैर अब मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कि दिल की बात नहीं सुने नंबर्स <laughs> देखने हैं हमें एनी right. वेज़ वो ज़माना मैं खुद नया था तो हम थोड़ा बहुत ई के ऊपर स्टडी करते थे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है कौन सी प्रोडक्ट किसकी कितनी सेल्स हो रही है वो एक छोटी सी रिसर्च होती थी उसकी बेस पर फिर चाइना से सा सामान मंगवा लेते थे सामान मेरे पास मलेशिया में होता था फिर मैंने स्लोली स्लोली एक्सपेंड करना शुरू किया मैंने अपनी इन्वेंटोरी यूके में रखनी शुरू करवाई अमेजान की एक सर्विस है एफ कहते हैं उसको फुलफ़िल बाय अमेज़ॉन तो मैंने अपना सामान कुछ अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया यूके में रखवा दिया यूएस में रखवा दिया मैंने एग्रेसिवली एक्सपेंड करने कॉन्फिडेंस एक आ गया कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आ गया मैंने फिर फिलीपींस uh, की कॉमर्स e मार्केट में घुस गया इंडोनेशिया की कॉमर्स e मार्केट में घुस गया ऑस्ट्रेलिया कैनडा इटली स्पेन दुनिया जहाँ की छोटी 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 नीच मार्केट्स हैं मैंने वहाँ पर एक्सपेंड किया वहाँ सामान भेजना शुरू कर दिया ना देट वॉज द फेलियर वहाँ से मैंने लर्न किया जब मैं दुनिया की इतनी सारी मार्केट्स में मैंने पंगे ले लिए और मैं फिर इम्प्लॉइज़ हायर कर रहा हूँ ऊन मार्केट्स में भी हायर कर रहा हूँ फिलीपींस में भी एम्प्लॉय मलेशिया में भी इम्प्लॉज वो आ, वाँग जी वो फिर 2011 में दोबारा बैंक हुई सॉफ्ट बैंक रपसी बोलूँगा इसको मैं ये इतनी हार्ड नहीं थी 2008 में हार्ड थी 2011 की इतनी हार्ड नहीं थी हार्ड से मुराद कि मैंने लोन्स आई मैनेज टू गेट लोन्स तो मैंने बैंकों से लोन लेने शुरू कर दिए दोबारा तीसरी बार स्टार्ट किया Um, तीसरी बारिफरेंट जाना में स्टार्ट किया या आपने नीज कहा कि इरेलीवेंट को साइड पर करो कंसोलीट किया मतलब वट व चेंज नाओ चेंज नॉट रियली सच चेंज नहीं था चेंज बस ये था कि अब मैंने सोचा कि मैं वेबसाइट uh, से निकल के अब मुझे मार्केट प्लेस में जाना होगा Achha. ये एक मेजर चेंज था मेरा ठीक है क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि अमेरिकन मार्केट जो है वो मार्केट प्लेस की तरफ शिफ्ट हो रही है हर कोई वेबसाइट से अब नहीं खरीदने वाला hmm. और वो ही हुआ ऐसा ही हुआ तो इवेंचुअली आई नोटिस कि सारी मार्केट शिफ्ट हो रही है मार्केट प्लेस में अच्छा मार्केट प्लेस पर भी मैंने नोट किया कि सारी मार्केट ई से निकल के अमेजोन की तरफ जा रही है राइट आई हैड टू एक्सपेंड एग्रेसिवली तो मैंने कैश उठाया दोबारा बैंकों से लोन लिए फिर दोबारा शुरू कर दिया और फिर तीसरी बार मैं दोबारा बैंक करप्ट हुआ दो हज़ार पंद्रह जाके अच्छा उस वक्त तक मेरा बिजनेस काफ़ी स्केल अप हो चुका था मैं महीने का पाँच लाख डॉलर बेचा करता था तो काफ़ी ह्यूज वॉलीम भी था मेरे पास साल का मैं अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था और uh, मेरे एम्प्लॉज़ थे मेरा अमेरिका में वेयर हाउस था अमेरिका में मल्टीपल वेयर हाउसेस थे यूके में मेरे पास वेयर हाउस था मेरे एम्प्लॉयज़ यूके में काम कर रहे थे यूएस में फुल टाइम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे मलेशिया um, में इम्प्लॉज़ थे फिलीपींस में इम्प्लॉय थे पाकिस्तान में एम्प्लॉज थे तो वो uh, बस बैड बिजनेस प्रैक्टिस और फिर लैक ऑफ स्किल्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के अपने स्किल्स होते हैं राइट right. वो मिसिंग थे टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा थे टेक्निकली तो घुसे हुए थे हम लोग अमेजान के अंदर right. लेकिन वो जो बिजनेस के स्किल्स होते हैं वो मिसिंग थे तो 2015 में मैं तीसरी बार बैंक्रप्ट हुआ ये बहुत सीवियर बैंक्रप्ट थी ये इतनी सीवियर थी कि मैं फिर सीवियर डिप्रेशन में भी चला गया उसके बाद क्योंकि इट वॉज ऑलमोस्ट माई सेवेंटीन ईयर्स ऑफ एफर्ट सत्रह हाँ, साल हाँ. के बाद स्ट्रगल कर करके दुनिया के हाई इंटेलेक्ट तरीन लोगों में शुमार होना आपका और आपको पता है कि आपसे ज़्यादा दुनिया में कोई इंटेलिजेंट इंसान ना हो और आपसे ज़्यादा कोई हार्ड वर्किंग ना हो उसके बाद भी सत्रह साल के एफ़र्ट के बाद आप फेल हो जाएँ और मल्टीपल टाइम बैंक्रप्ट हो जाए तो वो एक सीवियर डिप्रेशन थे वहाँ से फिर मैंने फिर चौथी बार दोबारा स्टार्ट किया अच्छा और यही बिजनेस लेकिन अब की बार मैंने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन की उसके अंदर राइट मैं ड्रॉप शिपिंग करता था मैं डिफरेंट मॉडल्स में अमेजोन के काम करता था वो सारे मैंने कट डाउन करके एक मॉडल के ऊपर मैंने कहा कि अब मैं इसी के ऊपर काम करूंगा आ, उस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर फिर मैंने मार्केट कंसोलिडेट की कि मुझे दूसरी मार्केट्स में काम नहीं करना है स्पेन इटली सब बंद सारी मार्केट बंद सिर्फ एक ही मार्केट में काम करूंगा यूएस के अंदर राइट पहले तो आप कंसल्ट काम कर रहे हैं सारी मलेशिया में थी मेरी अच्छा. uh, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ ही थे हमेशा से और मैं सपोर्ट चूँकि बड़ा घर का बड़ा मैं हूँ तो पूरी फैमिली डिपेंड भी करती है आ, और वो लोग मुझसे पूछते थे कि भाई क्या मसला है क्या इश्यूज हैं स्ट्रेस लग रहे हैं आप मैं उनको यही तसलियाँ देता था कि हैं सब सही जा रहा है तो वो मैं उनको तसलियाँ तो दे देता था लेकिन इट वॉज़ रियली बैड टाइम कि मैं रातों को उठ के एक एक घंटा बेड पर बैठा करता था सिर्फ मुझे समझ में नहीं आता था करना क्या है तो वो मैं थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे के लिए लॉस्ट हो गया था तो वो फिर मेरे फादर ने मुझे मशवरा दिया कि बेटा आपको साइक्राइटिस की ज़रूरत है आप जाएँ अपना ट्रीटमेंट करवाएँ ये अबू का मशवरा था तो जिसकी वजह से फिर मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने डायग्नोस किया कि आप डिप्रेशन के अंदर अच्छा तो मुझे मेडिसिन दी और फिर उसके बाद आ,

इट्स नॉट ट्रू क्योंकि दिमाग एक ऑर्गन है जिस तरह आपका लिवर ऑर्गन है हार्ट एक ऑर्गन है दिमाग भी ऑर्गन है ये इसके भी प्रॉब्लम्स आते हैं इसे भी मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है तो जो डॉक्टर कह रहा है आपको सुनना चाहिए फॉलो करना right. चाहिए उसका. और ये बड़ी मजेदार बात है बिकॉज पाकिस्तानी पेरेंट्स आर जस्ट लाइक बेटा नवाजे पढ़ो और यू नो लाइक ट्रू फॉर अ फादर टू कम एंड से दैट वाज आई थिंक का अच्छा दो 2015 में फिर बैंक्रप्सी हुई फिर आपने कंसोलिडेट किया एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट 2015 तक मेरे ऊपर सात लाख डॉलर के कर्जे चढ़ चुके थे इसमें बैंक्स भी शामिल थे इसमें इन्वेस्टर्स भी थे इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे काफी सारे फेल्ड प्रोजेक्ट्स भी थे इसके अंदर काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे और वो फिर दोबारा नेक्स्ट राउंड मैंने स्टार्ट किया फिर मैंने इन्वेस्टर से दोबारा स्टार्ट किया कि अब की बार मैं बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल लेकर आया हूँ और वो है अमेजोन एफ बी ए के ऊपर मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर काम करूंगा पहले मैं करता था तीन तीन सौ प्रोडक्ट्स पर काम right. अच्छा जब आप तीन सौ प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं आपका फोकस ही नहीं होता hmm. आपको खुद hmm. नहीं पता आपके अकाउंट में बिक क्या रहा है तो मैंने डिसाइड किया कि, कि मैं अपने टॉप सेलर्स पकड़ता हूँ बस टॉप सेलर्स पर काम करता तो हूँ बाकी सब छोड़ दो और मैं सिर्फ ये एफ बी ए करूंगा यानी कि अमेजोन के वेयर हाउस बेचूंगा और सिर्फ एक ही मार्केट में काम करूंगा ना देट फार्मूला वर्क फॉर मी वो फार्मूला चल पड़ा वो प्रॉफिटेबल था वहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हुआ दोबारा फिर ग्रोथ होनी शुरू हुई फाइनली मैंने एक अपने एसिड एग्जिट किया वहाँ से मेरा फिर पहला मिलियन डॉलर मैंने बनाया वहाँ से सारे कर्जे वर्जे पे किए काफ़ी चढ़े हुए थे मेरे ऊपर तो देट वॉज द जर्नी आई बीन थ्रू उसके बाद फिर एक्सट्रीम गॉमर्स का जर्नी स्टार्ट होता है अच्छा 15 ke baad you're, you're, you're doing this new business and finally it's working out and it's uh, <laughs> <laughs> uh, wohi business hai uh, business wohi hai main 2009 se ek -hi business, haan, new business models is, change hote uh, gaya you, you're, you're in a new model and yeah, yeah, yeah. you're focused and it's working now Um, and then 17 में you जी मैंने पाकिस्तानी मार्केट में आना है और मैंने पाकिस्तान में आने का जो असल जो गोल था वो इट वॉज नॉट रियली ऐसा नहीं है कि मैं uh, पाकिस्तानी मार्केट में आना है या मुझे कुछ करना है ई कॉमर्स करना है वो एक डिफरेंट बिजनेस था मेरा जिसके लिए मैं पाकिस्तान में मैंने आके स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान में अमेजोन की आई डीज तो बनती नहीं थी राइट तो मेरे पास एक सोल्यूशन था आईडीज़ जो हैं वो रेंटल पे प्रोवाइड कर सकता हूं पाकिस्तान में बस वो एक छोटा सा बिजनेस था मेरे पास तो मैंने कहा चलो सो आइडिया रेंट पर चढ़ी जाएंगी बीस पच्चीस हजार डॉलर का, का साइड पर एक रेवेन्यू आता रहेगा तो चलो और वैसे भी टीचिंग का बोलने का शौक तो था ही मुझे बचपन से और ये काम मैं बचपन से इन्फेक्ट कर रहा हूँ मैं नाइनटीन से पढ़ा रहा हूँ तो जिसकी वजह से पढ़ाने की आदत है बोलने की आदत है Uh, उस बिजनेस प्लान के लिए फिर मैंने पाकिस्तान में आके थोड़े बहुत सेमिनार्स किए लोगों को गाइड किया है कि अमेज़ॉन पे बिजनेस ऐसे होता है uh, दो सेमिनार्स करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट है mm. अभी इस बिज़नेस को समझना या समझाना लेकिन मेरी टीम ने मुझे बहुत कन्विंस किया कि नहीं आप फिर आएँ वो तीसरी बार मैं फिर आया पाकिस्तान फिर एक छोटा सा सेमिनार किया वहाँ से थोड़ी सी ट्रैक्शन बिल्ड होनी शुरू हुई थी तो इनफैक्ट पाकिस्तान आने का जो असल मकसद है वो था बिजनेस अच्छा और वो बिज़नेस ये था कि मैं पाकिस्तान में लोगों को अमेज़ॉन की आई डी फैसिलिटेट करवा दूंगा तो इनका आई डी का ये लोग भी चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं राइट लेकिन फिर मैंने फेसबुक का ग्रुप क्रिएट किया लोगों को ऐड किया लोगों से मैंने कहा कि कोई सवाल है तो कर लें तो लोगों ने फिर सवाल किए फिर लोगों ने मुझसे कहा कि जी अमेज़न की आईडी कैसे बनती है तो मुझे ख्याल तो आया कि अगर मैं इनको बता दूँ आईडी कैसे बनानी है तो मेरा तो वो ही ख़त्म हो जाएगा आईडी वाला बट बट आई डिड

तो वो बड़ा डिजिटली so, आप रीड आउट करके आप वहां से बेसिकली सेट कर यू कैन एवर करेक्ट बिल्कुल ऐसा ही है तो वो लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन थी नई इन्फॉर्मेशन थी तो सारा दिन हम इसी में डिस्कशन करते थे लोग मुझसे सवाल करते थे मैं उनको गाइड करता था लोग भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि यार आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जब मुझे खुद नहीं पता मुझे मेरी मोनिटाइजेशन तो खत्म हो गई ना जो असल मेरा गोल था मोनिटाइजेशन वाला वो तो फेल हो गया उसके बाद राइट तो फिर मुझे खुद नहीं पता मोनिटाइजेशन कैसे होगी बट देन दो में लोगों की इतनी लोगों ने मुझे मोटिवेट कर दिया उस ग्रुप के अंदर कि uh, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप बड़े अच्छे इंसान हैं तो वो मैंने फिर सोचा कि यार ये मुझे तो मज़ा आ रहा है राइट आई स्टार्ट इन इट आप बिजनेस हाँ. गया साइड पे मुझे नहीं चाहिए बिजनेस यही सही है हाँ. तो अब वो मैं मेरे अंदर थोड़ा पाकिस्तानी पाकिस्तानियाँ जाग गई थी उस दिन right. मैंने कहा यार अब यही काम करेंगे तो मैंने एक गोल सेट किया था उस वक्त कि वन बिलियन यूएस डॉलर की हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में hmm. और मेरी एक बड़ी इमोशनल वीडियो मैंने डाली थी उसमें बड़ा लोगों ने कहा यह बड़ा ज़बरदस्त काम है और बहुत से लोगों ने कहा होगा कैसे hmm. अच्छा मैं भी सोचता था होगा कैसे मुझे खुद नहीं पता होगा कैसे आई हैड नो क्ल्यू I mean, so you do essentially define a North star, right? You said, that we and We are. We are. We are. We then We will we'll, we'll figure it out on the way, essentially. We right. तो बस ये डायरेक्शन है बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे पाकिस्तान में दस हज़ार लोगों को मैं इंगेज कर लूँगा उनको बताऊँगा एमेज़ोन पे बेचो ये हो सकता है वो हो सकता है आ, लेकिन एग्जैक्ट एक्शन प्लान मेरे पास था नहीं बस वो दिन है और आज का दिन है इवॉल्व होते गए इवॉल्व होते गए वो एवोल्यूशन है एक्सट्रीम कॉमर्स इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन वो इतना इवॉल्व किया हम लोगों ने एक लार्ज प्लेटफॉर्म बन गया एकोसिस्टम बन गया कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया हम लोगों ने तो hmm. फिर हम उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए देन एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिसाइड और और राधा आई मीन लेट मी फ्रेज द क्वेश्चन इन दिस वे इज इट स्टिल व्हेन व्हेन यू थिंक एक्सट्रीम कॉमर्स इज इट स्टिल सिनोनिमस विद Amazon uh, बिल्कुल भी नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई एक्सट्रीम कॉमर्स को अमेजोन के साथ जोड़े क्योंकि मैंने सबको कहा है कि एक्सट्रीम कॉमर्स इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म एक इकोसिस्टम है जिसमें मेरा भी बिज़नेस शामिल है मैं भी पैसे कमाऊंगा आप भी पैसे कमाएंगे इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है कि बच्चे आएंगे उनको एम्पावर किया जाएगा कि छः महीने से बारह महीने का आपका एक जर्नी है अगर आप ये जर्नी परफॉर्म करते हैं आपकी एक्स अमाउंट ऑफ मनी बनाना शुरू कर देंगे आप तो मैंने फिर इसको कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म को मैंने ज़्यादा फोकस किया है अच्छा उसमें फिर मैंने पिछले दो साल पहले मैंने सबको समझाया कि देखें मैंने इसको एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाना है तो मैं नहीं चाहता कि पूरी कॉम अमेज़ॉन पर चढ़ जाए राइट आप लोग सारे अमेजोन पर आ जाएंगे कैपेसिटी जो है वो हम सेचुरेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी फिर कंपटीशन होगा जो कि अच्छी बात है वो भी ठीक है वो भी एक्सेप्टेबल है लेकिन क्यों ना मैं आप लोगों को रास्ता दिखाऊं कि पैसे इधर से भी बन सकते हैं इधर से भी बन सकते हैं यहाँ से भी बन सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं hmm. तो मैंने दो साल पहले ये ड्राइव स्टार्ट की थी right. मैंने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया

नॉन अमेज़ोन का मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसे कमाने के लोगों के पास कि फ़ॉर एग्जांपल मैंने पाँच साल में जो एक बीच बोया था उस बीच का अभी रिजल्ट ये निकला एंड पे कि आप फाइवर पे चले जाएं अब वक्त पे चले जाएं आपको 90 95 परसेंट लोग पाकिस्तान से मिलेंगे व्हेन व्हेन इट वें इट इज़ अबाउट अमेजोन ठीक है ये मेरी एक वीडियो थी जो 2019 में रिकॉर्ड हुई थी उस वीडियो में मैंने ये विजन दिया था सबको कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान में कि आप फाइवर एम अब वक्त पे जाएंगे तो पाकिस्तानी नजर आएगा नाइन्टी वो विद इन टू थ्री ईयर्स ये काम हो गया अब आइए मैंने उसके बाद सबको कहा कि देखो व्हाट्सएप बिजनेस कम्युनिकेशन से भी पैसे बनते हैं ये भी एक सर्विस है एट से भी पैसे बनते हैं शॉपिफाई से भी पैसे बनते हैं आपके पैसे थ्री आर्ट बनाने से भी पैसे बनते हैं जो मीनाकारी होती है ना पाकिस्तान में इसको थ्री में कन्वर्ट करके एन में बेचने से भी पैसे बनते हैं तो मसला क्या है जी मसला ये है कि सनी भाई हम कहाँ से सीखेंगे ये सब और इंस्पिरेशन कैसे आएगी मैंने इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म बिल्ड किया पहले अच्छा जैसे मैंने इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म बिल्ड किया इंस्पिरेशन कहते हैं कि एक शख्स इनक्यूबेटर में आता है और आते साथ ही वो लेफ़्ट राइट उसको नॉइज़ मिलता है बहुत सारा कोई अमेजॉन कर रहा है कोई एट कर रहा है कोई थ्री आर्ट कर रहा है और कोई व्हाट्सअप बिजनेस कम्युनिकेशन पर काम कर रहा है कोई मैनी चैट पर काम कर रहा है कोई जेपियर पर काम कर रहा है उसने कहा यार ये जैपियर बड़ा मज़ेदार काम है हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ या डिजिटल मार्केटिंग बड़ी अच्छी लग रही है मुझे तो वो सबसे पहले उसको फिर हम समझाते हैं सेकंड स्टेप है इस जर्नी का हमारा पूरा प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट जर्नी तो इस जर्नी का सेकंड स्टेप ये है कि आप जेपियर की ट्रेनिंग ले लें राइट right. कहाँ से लें यूडेमी से ले लें यूट्यूब से ले लें ले ले, या हमारे इको सिस्टम है अगर कोई इसकी ट्रेनिंग हो रही है तो आप वहाँ से ले लें इट्स अप टू यू ट्रेनिंग कहीं से भी ले सकते हैं आप जिसके बाद बजट नहीं वो फ्री में ले, ले लेगा तो थर्ड स्टेप ये होता है कि आप लोग एजेंसी फॉर्म करें अच्छा एजेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि दो लोगों को हम कहते हैं आप लोग पार्टनरशिप कर लो आपस में इन दो लोगों की मैंने ट्रेड्स एक्सप्लेन कर दी मैंने इन दो लोगों को समझाया कि एक फ़ाइन लाइनर होता है एक बॉटम लाइनर होता है एक इंसान इंट्रोवर्ट होता है एक इंसान एक्सट्रोवर्ट होता है इंट्रोवर्ट के ये मसाइल हैं उसके ये वीक एरियाज़ हैं ये इसकी स्ट्रेंथ है इसी तरह एक्सट्रोवर्ट इंसान के ये वीक एरियाज़ होते हैं ये उसकी स्ट्रेंथ होती है तो पहले पाकिस्तान में बच्चों के जो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें थी नहीं असल में तो उन्हें पता ही नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ फाइन लाइनर हूँ बॉटम लाइनर हूँ नाइट राइडर हूँ मैं डे राइडर हूँ मैं हूँ कौन तो वो मैंने इनको सबसे पहले आके पहचान दी कि पहले अपने आप को पहचान लो आपको जब पता लग जाएगा कि आप हैं कौन उसके बाद स्ट्रेटजी मैं बता दूंगा पैसे कमाने की वही हुआ बच्चा अब मेरे पास आके कहता है सनी भाई मैं आ, मैं उन्नीस साल का हूं मैं गंदा बच्चा हूं उसको पता है कि वो गंदा बच्चा है क्योंकि गंदे बच्चे अच्छे बच्चे की डेफिनेशन बताइए मैंने इनको कि पहले अपने आपको पहचानूं आप हो कौन जी मैं नाइट राइडर हूँ मैं फाइन लाइनर हूँ और मैंने ये काम कर लिया मेरी अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तो मैंने उसको बताया कि एफ की पार्टनरशिप कर लो दोनों के पैसे बनेंगे तो आप किसी भी स्किल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी एक स्किल है आप इसमें फाइन लाइनर हैं एक बॉटम लाइनर शख्स के साथ जो सेल्स में अच्छा होगा बातें करने में अच्छा होगा hmm. और फाइन लाइनर शख बातें इतनी अच्छी नहीं करता लेकिन डिलीवर करता है उसे काम करना आता है वो पूरी hmm. रात स्किल्स में काम करता है इन लोगों की पार्टनरशिप करा देंगे तो इन दोनों के पैसे बनने शुरू हो जाते हैं hmm. तो उससे हमारे इंक्यूबेशन का सक्सेस रेट सेवेंटी प्लस परसेंटेज है इस वक्त यानी सौ बच्चे अगर आते हैं तो सेवेंटी बच्चे जो हैं वो छः महीने सात महीने के बाद पैसे कमा रहे होते हैं इस इनक्यूबेशन सिस्टम से जो हमने hmm. क्रिएट किया राइट right. और जो अ, अगर मैं थोड़ी सी जर्नी समझू बिफोर दी इनक्यूबेशन सिस्टम जो आपने कहा दो साल पहले आपने इसको चूज़ किया जाहिर दो हज़ार सत्रह में इसी स्टार्ट हुआ ग्रुप बन गया कम्युनिटी बन गई कम्युनिटी के बाद एट सम 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 पॉइंट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड आई बिलीव दोज वर ऑफ द अर्ली स्टेज ट्रेनिंग्स तो वो उसमें आई थिंक ट्रेनर्स भी उसके जो थे वो बड़े हाई लेवल के थे शायद आप खुद थे उनका थोड़ा सा मुझे अगर जर्नी बताएं कि व्हाट वाज द प्राइस पॉइंट ऑफ दैट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड हाउ मेनी पीपल वर टेकिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स एट द टाइम जी ट्रेनिंग हमने 2017 में तो नहीं 2018 में इनफैक्ट स्टार्ट की है 2017 के एंड में समझ लें हम हम तो खुद समझ रहे थे क्योंकि जब मैं सेमिनार्स करता था तो लोग कहते थे आगे बताएं आगे क्या करना है अच्छा मुझे खुद नहीं पता आगे क्या करना है मुझे खुद नहीं पता क्या करूँ इनका कैसे हेल्प करूँ मैं तो मलेशिया में रहता हूँ और मेरे बस चंद ही लोग हैं पाकिस्तान में तो मैं कैसे इस मसले को हल करूं तो एज एन एंटरप्रनोर हमारा जो काम है हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमारा दिमाग ये कहता है ये प्रॉब्लम है अब इसका सोल्यूशन निकालना है हुँ. तो आओ इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो मैंने इनफैक्ट एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर कभी भी ट्रेनिंग हमारा कोर बिजनेस रहा नहीं राइट right. हम लोग ट्रेनिंग के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते ना 2018 में करते थे ना आज करते हैं हमारा फोकस हमेशा से रहा है जर्नी के ऊपर राइट right. अच्छा अब जर्नी और को ट्रेनिंग को समझना होगा कि जर्नी में और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क होता है mm. ट्रेनिंग कहते हैं कि आप एक कोर्स ले लेते हैं आप यूट्यूब पे चले जाएं यूट्यूब पे स्कैटर्ड है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो शायद लोग ना समझ पाए चलें आप यू यु, यू डेमी पे चले जाएं mm. यू डेमी के ऊपर दस डॉलर का एक कोर्स ले लें एक से बढ़ के एक अच्छे कोर्सेस मिल जाएंगे आपको आप वहाँ से सीखें बहुत से लोग कहते हैं, नहीं ये वन वे इंगेजमेंट है मुझे तो टू वे इंगेजमेंट चाहिए तो फिर वो आते हैं हमारे पास कि नहीं मुझे टू वे इंगेजमेंट चाहिए मैं क्लासरूम में बैठ के ट्रेनिंग का सर पाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ से सीखना चाहता हूँ अच्छा हम शुरू में तो आ, हमने स्टार्ट किया तो हमने उनको समझाया कि देखें ट्रेनिंग तो एक पार्ट है ये जर्नी कैसे कंप्लीट करेंगे आप कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है अमेजोन पे आपने तो वो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा ना आपको कि आप ये प्रोडक्ट वाइबल है ये प्रोडक्ट वाइबल नहीं है तो अच्छा सनी भाई मैंने प्रोडक्ट ढूंढ ली अच्छा चले आगे बताएं क्या करना है चलो अब एक काम करो इसकी चाइना से सोर्सिंग स्टार्ट करते हैं तो हमने पूरा जर्नी क्रिएट किया राइट दो में भी हमारा जर्नी चलता था Uh, हमने एक छोटा सा बैच बनाया उनको पूरा जर्नी करवाया उसमें आधे लोगों की लॉन्चेस डूब गई आधे लोगों की चल पड़ी तो वो फिफ्टी फिफ्टी सेवेंटी बस ये मिक्स रिजल्ट आते थे अच्छा डिफरेंट किस्म के लोगों के डिफरेंट रिज़ल्ट आते हैं हम तो खुद उसको समझ लेते थे कि इसको मैनेज कैसे करना है hmm. तो uh, फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ट्रेनिंग तो एक छोटा सा पार्ट है इसका तो ट्रेनिंग तो आप ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं तो आपको ये जर्नी को समझना है और इसकी कॉस्ट है जर्नी एक्सपेंसिव होता है हमेशा right. क्योंकि आप साल उस दौर में हम दो दो साल की वो जर्नीस करते थे तो काफ़ी लंबी जर्नी होती थी वो दो साल तक अब एक प्रोग्राम चल रहा है दो साल तक हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट को तो हमारे यहाँ बहरहाल कोर्स और जर्नी का मैं आपको इसलिए फ़र्क बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है वो हमने कैसे स्टार्ट की तो हमने इसी तरीके से स्टार्ट की थी और um, और yeah. उसकी मतलब एस्टिमेट आई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट है बिकॉज ये फिर मेरे आगे वाले सवालत में वो होगा कि mm -hmm. जो स्टार्ट में आपने किए थे व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ कोर्सेस और जर्नी इफ इफ यू यू में शुरू में तो हमने हमें खुद नहीं पता इसकी कॉस्टिंग क्या निकालें क्या इसकी कॉस्ट होनी चाहिए हमने इसको पाँच सौ डॉलर में कहा कि आप करना चाहें तो कर लें और मैं खुद इसमें पढ़ाऊंगा मैं खुद बताऊँगा मैं खुद आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा ढूंढूंगा आपके साथ अप्रूव आप करूँगा या डिसअप्रूव करूँगा फिर आप उसको लॉन्च करेंगे फिर आपके या तो पैसे बन जाएंगे या आपके पैसे डूब जाएंगे क्योंकि बिजनेस है इसमें पैसे बनते भी हैं डूबते भी हैं आ, हमने इस तरह से स्टार्ट किया फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले साल हमने इसको मजीद स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया तो मैंने फिर अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया आ, उन स्टूडेंट्स में किसी की लॉन्च फेल हो गई किसी की लॉन्च सक्सेसफुल हो गई जो फ़ेल हो गई उसको भी मैंने हायर कर लिया जिसकी सक्सेसफुल हो गई उसको भी मैंने हायर कर लिया कि चलें अब आप एक काम करें अब आप मेरी हेल्प करें आप आगे आ, हमारे हमारे जो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये एक स्टूडेंट है ये एक ट्रेनर के पास जाएगा हमारा ये मॉडल नहीं है अच्छा हमारा मॉडल ये है चूँकि ये जर्नी है बहुत कॉम्प्लेक्स जर्नी है तो एक शख्स एक डोमेन की ज़िम्मेदारी लेता है फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो जिम्मेदारी लेता है कि स्टूडेंट की अकाउंट आईडी क्रिएशन की तो वो बस उसी में मसरूफ़ रहता है राइट right. दूसरा शख्स सोर्सिंग एक्सपर्ट है एक शख्स लॉन्चिंग का एक्सपर्ट है एक शख्स पीपीसी का एक्सपर्ट है वो पेड कंपेन्स का एक्सपर्ट है जो शख्स पीपीसी का एक्सपर्ट है हो सकता है उसको आईडी बनानी ना आती हो हो सकता है उसको सोर्सिंग ही ना आती हो कि चाइना से सोर्सिंग करनी कैसे जो सोर्सिंग का एक्सपर्ट है हो सकता है उसको लॉन्च ही ना आती हो चूंकि बिजनेस कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट डिविजन्स चाहिए होते हैं तो हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या जर्नी प्रोग्राम्स के अंदर बूट कैंप में कोई रफली हंड्रेड प्लस इंप्लॉयज़ हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं जिनका काम है जर्नी को सपोर्ट करना और हर शख्स अपने डिवीजन के अंदर काम कर रहा है राइट right. और 2020 में फिर आपने बूट कैंप जो वर्चुअल बूट कैंप आई बिलीव था जिसमें आपने बहुत सारे डिफरेंट रेंज ऑफ कोर्सेज वो किए डिट दैट कम अबाउट वीडियो बूट कैंप बनाने का जो असल मकसद था वो ये था कि ग्रुप में बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि हम एफोर्ड ही नहीं कर सकते बूट कैंप की जर्नी है जर्नी बड़ी महंगी है इट्स वेरी एक्सपेंसिव तो मैं उनको समझाता था मैं गाइड भी करता था कि देखें आप यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं आप यू डेमी से भी लर्न कर सकते हैं आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं लर्निंग इज़ नॉट एन इशू जो कोर्स होता है उसका सक्सेस रेट दस पंद्रह परसेंट से ज़्यादा नहीं होता राइट right. और आप को अगर ये आ, हमारा जो बूट कैम्प के अंदर जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं उनको मैंने रिकॉर्ड करके फिर वीडियो बूट कैम्प बना दिया और वो मैंने उनको फ्री ऑफ़ कॉस्ट देना शुरू कर दिया पहले चार्ज करते थे लेकिन फिर आिस्ता आह देखा कि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो फिर हमने क्राइटेरियाज़ बनाना शुरू किए कि स्टूडेंट्स के लिए फ्री है फिर आिस्ता सिंगल मॉम्स के लिए हमने फ्री कर दिया कि इनकी हार्डशिप है इनको भी फ्री दे देते हैं फिर जो लोग फिजिकली एबल नहीं हैं उनको भी हमने कहा आप भी फ्री में ले लें उन्हें भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दिया फिर आहिस्ता आहता हमने जिन लोगों की इनकम पचास हज़ार से कम है उसको भी दे दिया सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी एंड फिर हमने कहा सब फ्री में ले लो तो मैंने फिर वीडियो बूट के अंदर हंड्रेड प्लस स्किल्स और डाल दिया हमने तो रफली इस वक्त डेढ़ सौ के करीब स्किल्स हैं इंक्लूडिंग अमेजॉन स्किल्स क्योंकि मैं चाहता था कि लोग डिफरेंट डायरेक्शन में जाएँ सारे अमेजोन पर ना आए राइट right. चले सोट so टुडे अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डज एक्सट्रीम कॉमर्स डिफाइन इट एक्स्ट्रीम कॉमर्स जो है मेरा जो विजन है वो ये है कि वो एक लार्ज कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म ये मेरा प्राइमरी विजन है जो जो मेरी फैंटेसी है बेसिकली जे देखें right. एक्स्ट्रीम कॉमर्स में पिछले पाँच सालों में जो भी हुआ इसमें ज़्यादातर इनोवेशंस मेरी फैंटेसी हैं बेसिकली अगर मैं एज अ बिजनेस कोई काम करना चाहूँ तो मैं तो इनक्यूबेटर कभी भी ना बनाऊँ मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं लगाऊंगा भाई इसका आर क्या है इसमें मिलेगा क्या मुझे तो मैंने इंक्यूबेशन बनाए थे आउट ऑफ फैंटेसी बनाए थे मेरी फैंटेसी है कि जी इनक्यूबेशन होने चाहिए मैं उसमें सारे चूज़े ला के भर दूंगा चूज़ों को ट्रेन करके बड़े बड़े मुर्गे बना के निकालूंगा बस वो फैंटेसी के चक्कर में मैं पैसा लगाता गया सिस्टम्स बनाता गया तो मेरी हर चीज़ मेरी मैं फैंटेसी ड्रिवन हूँ क्योंकि मैं एक अनटपनोर हूँ बिजनेस हमेशा ये कहता है कि ये मैं पैसा लगाऊंगा इसका आर ओ आई क्या अंटपनोर कहता है लगा दो बहा दो जला दो मुझे बस अपनी फैंटेसी पूरी करनी है अच्छा उसमें फिर रिस्क ज़्यादा होता है तो आ, मेरी ये फैंटेसी ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इनक्यूबेशन के अंदर चूँकि रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया मेरे पास मुझे एक लाख बच्चों को इस सिस्टम से कैसे निकालूँ अब एक लाख बच्चों को सिस्टम से निकालने की कॉस्ट है राइट ह्यूज मैसिव कॉस्ट है इसकी वो कॉस्ट कहाँ से पूरी करूँ तो आ, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि या तो मैं एक दिन बिलियनर बन जाऊंगा तो चलो मैं दो तीन सौ मिलियन डॉलर यहाँ लगा के सारे बच्चों को जर्नी करवाऊंगा दूसरा ऑप्शन ये कि चलो मैं एक फाउंडेशन क्रिएट करता हूँ मैं फाउंडेशन बनाता हूँ और फाउंडेशन के अंदर मैं फंड रेजिंग करता हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नंबर्स दिखाऊंगा पहले कि देखें ये जेनवन नंबर्स हैं ये एक, एक बच्चे की लाइफ चेंज हो रही है जो बच्चा इनक्यूबेशन में छः महीने सात महीने आठ महीने गुजारता है वो सेवेंटी परसेंट लाइकली पैसे कमाता है लड़कों का जो डाटा है मेरे पास वो सेवेंटी परसेंट का है लड़कियों का जो मेरे पास डाटा है वो फिफ्टी परसेंट का है अच्छा और जो हाउस वाइफ हैं उनका डाटा जो है मेरे पास रफली थर्टी टू फोर्टी परसेंट का है डिफरेंट शहरों के डिफरेंट हमारे पर डाटा हम निकालते हैं हमारे पे नंबर्स आते हैं बट दैट्स नॉट बैड दैट्स अमेजिंग यानी कि एक शख्स ने छः महीने सात महीने सिस्टम से गुजारे हैं अब वो पाँच सौ डॉलर या हज़ार डॉलर का बनाने के काबिल हो गया है hmm. तो वो एक वो फिर आगे अपनी एजेंसी बनाएगा एजेंसी में चार लोगों को और नौकरियाँ देगा वो उनको भी हायर कर लेगा तो वो एजेंसियाँ क्रिएट हो रही हैं बड़ी स्पीड में पाकिस्तान में तो अब हंड्रेड थाउजेंड बच्चों को मैं इनक्यूबेशन सिस्टम से निकालना चाहता हूं तो मुझे फंडिंग का इंतजाम करना है राइट right. जो मैं आप फाउंडेशन के थ्रू अपनी फाउंडेशन बना के करूंगा इसके अलावा ये हंड्रेड थाउजेंड को जब मैं इंक्यूबेशन से गुजारूंगा तो इम्पेक्ट आएगा वन मिलियन के ऊपर राइट right. तो ये मेरा फ्यूचर uh, प्लान है? है इस वक्त जो ई की कम्यूनिटी है उसमें कितने तकरीबन लोग हैं वन मिलियन लोग हैं इस वक्त मिलियन और इसमें से कितने लोग आपके जो हैं वो किसी सॉर्ट ऑफ बूट कैम्प या जर्नी um, मैं नहीं कहूँगा जर्नी इज बिट मोर एक्सटेंसिव बट समर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और उससे गुजर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कभी हमारा इतना फोकस रहा नहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम में हज़ार बारह सौ लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरे होंगे जर्नी हमारा मेन फोकस है इवन के इंक्यूबेशन में भी अगर कोई शख्स आता है तो उसको भी छः से आठ महीने का जर्नी परफॉर्म करना है मैंने इनको बड़ा क्लियर बता दिया है कि अगर आपने कोर्स करना है भाई आप कोर्स कर लें लेकिन कोर्स का सक्सेस रेट पंद्रह बीस परसेंट से ज़्यादा बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें आप उनको क्लियर उनको बताया हुआ है अगर आपने इनक्यूबेशन का जर्नी करना है हाँ आप सेवेंटी परसेंट का आप एक्सपेक्ट करें कि चांस है आपका सक्सेस का पैसे कमाने का ठीक है सो जो लेट्स एज्यूम मैं एक लड़का हूँ उन्नीस साल का और मैं जो है जी पहली दफ़ा मुझे पता लगा है मैंने ये पॉडकास्ट सुनी मैंने कहा जी एक साहब हैं वो एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से उनकी वेबसाइट पर जाता हूँ मैं और मैं जर्नी के लिए अप्लाई करता हूँ साहिब इस्तू तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताएं कि मैं कितने पैसे लगा कर ये जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ जी द फर्स्ट अच्छा हमने सबसे पहले बच्चे से पूछना है कि भाई आप ये बताएं कि आप जिंदगी की स्टेज जीरो या वन पे हैं या टू या थ्री पे हैं ओके okay. अब ये स्टेजेस समझना बहुत जरूरी है अदरवाइज okay. मैं जर्नी नहीं बता सकता आपको क्योंकि हमारे पास हैं दो जर्नीस ठीक है एक जर्नी उन लोगों के लिए जो कहते हैं मुझे किचन मनी बनानी है ठीक है मेरा गोल है मैं पाँच हज़ार डॉलर महीने का बनाऊं एक जर्नी उन लोगों की है जो कहते हैं मैं पैसे डबोने के लिए तैयार हूं अपने मुझे बिजनेस बिल्ड करना ई कॉमर्स और मुझे पता है मैं मानता हूं आप खुद मुंह से कहते हैं जी फोर्टी एट परसेंट फेलियर रेट है फिफ्टी टू परसेंट का सक्सेस रेट है मुझे मंजूर है लेकिन मैंने बिजनेस बिल्ड करना है और मेरे पास कैपिटल है बीस डॉलर पच्चीस डॉलर या दस या पांच हजार डॉलर ये दो किस्म के लोग हैं तो स्टेज जीरो में जो बच्चा होता है उसे अम्मी अबू पाल लेते होते हैं तो उसे हम स्टेज जीरो कहते हैं उसकी कोई इनकम नहीं होती स्टेज वन वाला जो शख्स होता है वो किचन मनी बना रहा है लेकिन हैंड टू माउथ है वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता स्टेज टू वाला शख्स जो है वो जरूरत से ज़्यादा चूके कमा रहा है वो हर महीने सेविंग्स करता है साल के एंड में उसके बैंक में पैसे होते हैं तो इसे हम स्टेज टू कहते हैं ये वो स्टेज होती है जिसमें इंसान को बिजनेस करना चाहिए उसको एसिड बिल्ड करना चाहिए राइट right. भले वो जमीन का टुकड़ा हो या समोसे की दुकान हो या एमेजोन का बिजनेस हो बट इट बी एसेट एसिड बिल्ड करो अच्छा स्टेज थ्री का इंसान बहुत ज्यादा अमीर है

कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ। दौलतमंद इंसान घंटे लगाए बगैर पैसे कमाता है तो वो बिजनेस ओनर है और जो अमीर इंसान है वो बिजनेस करके चौदह घंटे काम करके पैसे कमाता है और अमीर हो जाता है तो ये स्टेज टू और स्टेज थ्री है तो एक बच्चा मेरे पास आता है जी सनी भाई मैं स्टेज जीरो का हूं भाई आपने एशिड वैशेड नहीं करना ना एमेजोन का बिजनेस करना है आपने भाई रिस्क है इसके अंदर आप जाओ बेटा इनके में जाओ छः महीने सात महीने आठ महीने गुजार लो पैसे बन जाएंगे जी सनी भाई कैसे बनेंगे स्ट्रैटेजी फॉलो करो जी सनी भाई स्ट्रैटेजी क्या है स्ट्रैटेजी है इंस्परेशन लर्निंग तीन की जर्नी है इसमें छः सात आठ महीने लग जाते हैं तो सेवेंटी परसेंट चांस है इंक्यूबेशन तो इंक्यूबेटर में आठ सौ नौ सौ हजार बच्चे होंगे पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के आठ शहरों में इंक्यूबेशन हाँ, और वो कितने दे रहे हैं डिफरेंट uh, शहरों के डिफरेंट हैं कराची लाहौर इस्लामाबाद में शायद तेईस चौबीस हज़ार रुपये होगा मंथली और बाकी शहरों में शायद किसी में सोलह हज़ार होगा किसी में अठारह हज़ार होगा डिफरेंट शहरों के डिफरेंट रेट्स हैं ठीक है और ये जर्नी uh, इसकी कॉस्ट है

Um, साथ में लेकिन एक वी का प्रोग्राम था एक डिजिटल वाला प्रोग्राम था वी uh, I believe, costs what hundred thousand, hundred twenty thousand? थाउजेंड नहीं five hundred thousand dollars लगा है VBC को बिल्ड करने में ठीक है yeah. नहीं but for the for the person जिसके पास पैसा है और वो वो तो फ्री में ले लें ले. वी बी सी नाइन्टी नाइन पॉइंट लोगों को फ्री में दे दिया मैंने किसी की कोई नहीं है इस वक्त पौने दो लाख लोग कर रहे हैं

उसमें जा चुके हैं या निकले हैं सिस्टम में जाके उसमें लाइकली सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तो पैसे कमा रहे होंगे और वो निकल चुके हैं ग्रेजुएशन यानी कि छः सात आठ महीने में वो निकल जाते हैं वहाँ से अपनी अपनी एजेंसियाँ बनाते हैं ऑफिसेस खोल लेते हैं फिर ये लोग बाहर जाके ठीक है uh, अब मैं आई मूव टू वर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट एंड मोर ऑफ क्रिटिकल पार्ट एंडलीट बज आपने भी उस पर कुछ सवाल लिखे थे uh, मैंने भी ऑनलाइन डाला तो बड़े सारे लोगों ने सवाल किए देर इज़ अ ग्रुप इस ऑफ वी कॉमर्स आई बिलीव जहां पर आजकल वो एक बैंडिंग टूगे आउट फॉर ब्लड तो उनका क्रिटिसज पहला तो यह आता है कि आपने जिस तरह कहा अपने पॉइंट पर बोला कि यार आई वॉन्ट गो टू ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन का अपने नाम लिया आपने कहा मैं जेनुअन नंबर्स दिखाकर ओवरसीज पाकिस्तानी इसके पास जाना चाहता हूँ एट दिस पॉइंट एन टाइम जो जेन्युनिटी ऑफ नंबर्स आई फील लाइक वो तो ख़त्म हो चुकी है इन देंस कि इतना ज़्यादा मार्केट में क्योंकि फ्रॉड uh, भी आ चुका हुआ है लोगों ने देखा है कि यार दो नंबर ही हो सकता तो है बड़ा ईजी है ना आई मीन आई कॉन्ट वेरीफाई एनी थिंगाई दी पर फिफ्टी परसेंट थर्टी परसेंट एंड सो रियली वॉट इज द मैकनिजम आई मीन या तो कंपनीज का मेन एंड देट अ थर्ड पार्टी ऑर्डर हम बुलाते हैं किन्जी को और उनसे कहते हैं कि यार हमारा पूरा ऑडिट करें या हम फर्गसन को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे नंबर्स दिखाएँ अदरवाइज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मी मीन क्योंकि द आर क्रेजी राइट सो मैं मैं कहता हूँ कि अगर एक लाख रुपए दे के मैं बी बी सी ए कोर्स ले रहा हूँ और मैं उसमें कहता हूँ कि यार लिटरली अगर मैं कहता हूँ ना हजार बच्चा भी पे कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई लगाएं दस करोड़ रुपया बनता है आप उसी हिसाब से हज़ार को आप फिर मल्टीप्लाई लगाते जाएँ आप दस हज़ार पे जाएँ तो वो सौ करोड़ बन जाता है एंड पीपल आर लोगों का माइंड बॉगल हो रहा है कि यार इतना पैसा एंड द फैक्ट इज आई आई पर्सनली नो कोर्सेज के ऊपर पचास पचास हज़ार रुपया इफ़ द पिच इज़ राइट पीपल आर विलिंग टू पे एंड पीपल आर विलिंग टू गो देर बिकॉज राइट नाउ सच ह्यूज यूथ ऑडियंस के वो जो है वो uh, उसको करिए सो प्रॉब्ली मैं बड़ा फ्लैट सवाल पहला पूछूंगा हाउ कैन आई ट्रस्ट एनी थिंगट जो सेट टाइम वर्ड ऑफ माउथ ठीक है कभी वॉक करें खुद ही पता लग जाएगा आपको किसी भी बच्चे को तो, तो मैं मान लूंगा लेकिन डेटा एज अ मैं डेटा साइंस वाला बनना रहा हूँ थोड़ा सा तो एनेटल तो मैं मान लू कि मैंने यार सौ में से मैं फॉर एग्जाम्पल सौ बच्चा हायर करता हूँ उसमें से मैं चार अच्छा बच्चा बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार छियानवे को मैं बाहर निकालता हूँ और मैं चार अपने पास रखता हूँ मैं कहता हूँ मेरे ऑफिस कभी भी आ जाओ यू नो

अब आप उसके ऊपर पैसे ले रहे हैं तो हाउ डू यू हाउ डू यू इंश्योर हाउ डू सर्टिफाई ट्रू देखिए इसका जो सबसे आ, पहली बात तो ये प्राइवेट कमर्शियल बिजनेस है आ, ये कोई चैरिटी या फाउंडेशन तो है नहीं तो एज अ कमर्शियल एंटिटी मुझे किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है Hmm. Uh, बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरी प्रोडक्ट अच्छी होगी लोग खुद ही आ जाएंगे मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी लोग खुद ही नहीं आएंगे खुद ही दोस्तों को बता देंगे कि यहाँ टाइम ज़ाया ना करना बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तो क्यों ना मैं अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करूँ मैं अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर जान लगाऊँ उसकी right. क्वालिटी ऐसी हो लोग खुद ही खींच के एक दूसरे को ले आए हमारी इस पूरी दो जर्नीस के अंदर लॉस वाला एलिमेंट कहाँ है लॉस किस जगह पे होता है लॉस हमेशा होता है बिजनेस के अंदर इंक्यूबेशन hmm. में तो लॉस नहीं होता ठीक है इनक्यूबेशन तो एक जर्नी है ट्रेनिंग है घुसे उसके अंदर कुछ महीने गुजारे सेवेंटी परसेंट के पैसे बनने शुरू हो गए कुछ के नहीं बने ओके समझ में आता इसमें है इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंशल अमाउंट ऑफ लॉस होता ही ना इन्वेस्टमेंट होती है तो वो तो एक्सेप्टेबल है लॉस होता है जब लोग ई e कॉमर्स के स्टोर्स बनाते हैं यहाँ पे सबस्टेंशल अमाउंट ऑफ मनी का इन्वेस्टमेंट भी होती है लॉस भी होते हैं और मैंने इन लोगों को हैमरिंग कर करके कर कर के एजुकेट किया है कि समोसे के बिजनेस में 15 परसेंट सक्सेस का चांस है 85 परसेंट फेलियर का चांस है हमारे जर्नी में 52 परसेंट सक्सेस का चांस है 48 परसेंट फेलियर का चांस है बहुत से लोगों से फेलियर नहीं बर्दाश्त होता अच्छा जिनसे नहीं बर्दाश्त होता वो जाके फिर सौ लोगों को बताते हैं जी हमारा तो लॉस हो गया ठीक है इसी तरीके से जिन लोगों का सक्सेसफुल आउटकम्स हैं या जिन लोगों के पैसे बनते हैं वो 52 परसेंट है वो जाके दस लोगों को बताते हैं हमारे पैसे बन रहे हैं right. तो नेगेटिविटी की स्प्रेड होने की रफ्तार ज्यादा है वो 100 एक्स की रफ्तार से ग्रो करती है पॉजिटिविटी टेन एक्स की रफ्तार से ग्रो करती है तो ये एक रियलिटी है जो सबको समझनी होगी अब आ जाइए मैं एज ए कमर्शल एंटिटी मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ कि भाई चूंकि मैं एक्सट्रीम कॉमर्स को डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जैसा टेस्ला है टेस्ला एक सॉफ्टवेयर पर चल रहा है हा है हुँ। गाड़ी हुँ। लेकिन वो सॉफ्टवेयर ये बताता है कि ड्राइवर रेकलेस है ये ड्राइवर बहुत केयरफुल है ये ड्राइवर इतनी स्लो चलाता है ये ड्राइवर फास्ट चलाता है मुझे भी अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन डेटा पे चाहिए डेटा ड्रिवन हम प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं जो इंसान यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है उसका सक्सेस का ये चांस है जो मैट्रिक पास है उसके सक्सेस का ये चांस है हाउस वाइफ सक्सेस का ये चांस है चालीस साल के मैरिड इंसान का सक्सेस का ये चांस है बीस साल के बच्चे का सक्सेस का ये चांस अर्बन का ये चांस है रूरल का ये चांस है मैं प्रोफाइलिंग मिल करना चाहता हूँ एंड दैट्स वट आई एम डूइंग राइट नाउ तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा ओरिएंटेड रखा है शुरू से ही शुरू में खैर इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन आिस्तक हम लोगों ने डाटा बिल्ड करना शुरू किया इनसाइट्स बिल्ड करनी शुरू की उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके मैं किसी भी ऑडिट फॉर्म को कहता हूँ भाई आओ ऑडिट कर लो सिंपल एंड दैट्स आई वॉन्ट टू डू और मैंने अनाउंसमेंट की है मैंने सारे मेम्बर्स को बताया भाई अगले साल मैं ये करना चाहता हूँ दो हज़ार तेईस में मैं किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट फॉर्म को बुलाऊंगा बोलूँगा भाई आप हमारे डाटा ज़रा ऑडिट uh, करें और फिर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करें हमारी वेबसाइट right. पर पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं इसको राइट right. um, आपने कहा कि ऑबियस इट्स नॉट ए पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीस्टैंड दैट टेक्निकली डाटा आपको उस पर पब्लिक करने की जरूरत नहीं राइट right? um, जो द ओनली रीजन वाई आई वुड से प्रॉब्लम कि ऑडिटिंग जिस तरह अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी करवाते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ कभी भी करते हैं तो हमेशा वो आपसे क्वेश्चन देते हैं कि यार एक ऑडिटिंग फर्म लेकर आओ यू नॉट नेसेसरली पुटिंग आउट द डेटा यू आर सेंग यू आर शेयरिंग द डेटा विद द ऑडिटिंग फर्म एंड यू आर जिस तरह फूड इंडस्ट्री है वो चीज़ अपना चीज़। कुछ स्टैंप लगा देगी वो कहेगी यार हम हलाल सर्टिफाइड बट like mm -hmm. right, वो ट्रस्ट की है जो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल होगा वो योग नाउ ट्रीमर्स टारगेड टूर्स इन टाइर इंडस्ट्री बिकॉज इज ना ग्रोइंग वेरी रैपडली एंड इज इन क्रेडबल अमाउंट ऑफ मनी मूविंग अक्रॉस पास्तान बिकॉज ऑफ दिस जिसकी वजह से हमें वो नगेटिव एक इम्पैक्ट भी नजर आया कि मंजन सैटरो um, you know, ये तो सारा तकी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है वो ये है कि एक एलिमेंट आता है जो कि पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का राइट right, मैं नस्ले का जूस का डब्बा लेता हूँ और मैं जब उस जूस पीता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मुझे एक सर्टन टाइप का फ्लेवर मिलेगा और मुझे एक सर्टन टाइप का उसका वो मिलेगा और एज एडवरटाइज मिलेगा जो आ, कभी एक दफा भी उसके अंदर अगर कीड़ा मकोड़ा आ जाए ना वो एक स्कैंडल बन जाता है एंड थियोरेटिकली यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट एंड पाकिस्तान में पीपल लॉट ऑफ डोंट नो बट कंज्यूमर कोर्ट्स वर्क रियली वेल वहाँ पर आपको बड़ा कॉम्पनसेशन ही मिल जाता है गाड़ियों का उसमें ले लें कि गाड़ियाँ जो है वो आप कितना मसला होता है गवर्नमेंट की वजह से मसला होता है लेकिन लोग जो है वो अगर गाड़ियाँ रोक रहे हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाएँ आपको ये टोयोटा वगैरह पैसे देते हैं उसके ऊपर yeah. uh, काईबोर के ऊपर इस केस में इट इज़ अ कम्प्लीटली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री एंड उसके ऊपर द मार्केटिंग मटीरियल दैट वॉज अवेलेबल एंड वाइल आई डू एग्री पर्टिकुलरली वैन आई टॉक टू यू यू आई डू एग्री दैट दैटॉल्व अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ यूर कम्यू Based on what, you know, evolve karta hai and the evolution DNA clearly is there. But in the first few years, the the marketing and communication was very misleading because what that was saying was Amazon is the salvation, anyone can do it, and anyone can do it probably is the biggest uh, slogan that uh, could have impacted, right? Because you showed a dream. टू समन हुर डेटा एवं विल टेल यू हैवे वेरी लो रेट ऑफ सक्सेस राइट एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और खास कर आप लोगों ने तो ये फिर भी इतना नहीं किया बहुत सारे लोगों ने कहा यूनिवर्सिटियाँ छोड़ो इधर हो और आपको बाद में पता लगा कि यार ये यूनिवर्सिटी के बगैर वाला बच्चा जो है उसको तो बोलना से ही नहीं आ रहा है उसको तो अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आ रही ये कैसे करेगा यू नो सो आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ the 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 criticism that's coming particularly from people is are is from the people who feel betrayed because the product that they were offered or they were sold irrespective of how you define it i mean aapki niyat pe bilkul doubt nahi kar raha but the product that was initially claimed और उसके ऊपर वो sell हुई है और उस पर लोगों ने लाख रुपया दिया डेढ़ लाख रुपया दिया पाँच सौ डॉलर दिया हज़ार डॉलर दिया उसके ऊपर उनको वो रिटर्न नहीं मिला और वो कम्युनिकेशन जो है ना वो इतनी रैपिडली स्केल हुई कि क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि नो मेरे पास कोई आएगा तो वो इस तरह का बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन आपको ये भी पता है कि ऐसा नहीं हो रहा हायरटी इतनी बड़ी बन गई कि फिर आपका ट्रेंड का ट्रेंड का ट्रेंड, का ट्रेंड जो है वो आके आगे लोगों को सिखा रहा था एंड 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 इट वॉज जस्ट लाइक अपेल दिस एंटायर बैक क्लैश इट वॉज अ फ्री फॉर ऑल एवरीबडी मेकिंग मनी मूविंग लाइक लिटरली इट वॉज मूविंग लाइक अ वो क्या कहलाती है मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम बन चुकी थी कि यार वो बच्चा वहाँ से ट्रेनिंग ली उसने घंटे का उसको कुछ पता नहीं है उसने अगली ट्रेनिंग स्टार्ट करके दूसरों को घेरना शुरू कर दिया बेशक आपसे कोई ताल्लुक नहीं लेकिन आपका टैग अपने सर पर लगा कर वो कर दिया हाउ डू यू आंसर सनी भाई जो है वो हमारा यू नो फिर शो डू यू फील के उनके वो ड्रीम्स पूरे नहीं हो सके पहली बात एक्सट्रीम कॉमर्स ने कभी भी वो एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं की कोई मुझे दिखा दे कोई मुझे साबित कर दे कि जी पिछले पाँच सालों में एक्स्ट्रीम कॉमर्स ने बड़ी कोई एग्रेसिव मार्केटिंग की हो हमने कभी मार्केटिंग कम्पेंस नहीं की हमने कभी फेसबुक के ऊपर वीडियोस नहीं लगाई कि ये पंद्रह साल का बच्चा बीस लाख रुपए महाना कमाता है और माइक उसके सामने रखा है कि आप पंद्रह लाख रुपए बीस लाख रुपए कैसे कमाते हैं वो कहता है मैंने आपका एमेज़ॉन वी का कोर्स किया था हमने तो ना कभी ये वीडियोस डाली हैं ना हमें शौक है इसलिए कि हमारा कभी भी कोर्स सेलिंग पे फोकस ही नहीं था वी आर नॉट अ कोर्स सेलिंग कंपनी कोर्स से हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसकी वजह यह है कि मुझे डे वन से मालूम था कि कोर्स करना तो यूट्यूब पे कर लो यूडेमी से कर लो जिसने कोर्स करना है दस पंद्रह परसेंट से ज्यादा सक्सेस रेट ही नहीं है उसका हम मैं सौ लोगों को पच्चीस हजार रुपये का कोर्स करा दूँ अमेजोन वी का दस के पैसे बनेंगे नब्बे गालियां देंगे बाद में आपको तो हम तो इतना बड़ा रिस्क ही नहीं ले सकते तो हमने कभी चुके कोर्स सेलिंग पे फोकस नहीं किया तो हमें इतनी एग्रेसिव मार्केटिंग करनी ही नहीं पड़ी अच्छा हमारे प्लेटफॉर्म पे डे वन से ये बात बड़ी क्लियर है कि भाई एक सर्टेन किस्म की प्रोफाइल जो है वो सक्सेसफुल है सर्टेन किस्म की प्रोफाइल सक्सेसफुल नहीं हो सकती मेरी कोई दो की कोई वीडियो निकाल दे औरतें मुझे बैश करती थी उस पर कि आप क्यों कहते हैं कि जी हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते अमेजन के बिजनेस में ये मेरी दो की वीडियो अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि देखें जो मेरे पास जो फाइल आ रहे हैं जो लोग आ रहे हैं मैं हाउसवाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस कर सकती हैं उसकी वजह यह कि आप लोगों की लाइफ में डिस्ट्रप्शन है आप लोगों की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है बच्चे हैं फैमिली है चाय खाना है। इतना कुछ आप लोगों ने करना होता है इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस टाइम चाहिए होगा आपको ये वजह है कि मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए फिट जर्नी है ये मेरी दो की वीडियो में बता रहा हूँ आपको उन्नीस बीस तो छोड़ देना आप तो मैं उस वक्त से आ, मैं प्रोफाइलिंग कर मुझे शुरू से प्रोफाइलिंग की आदत है अच्छा मैं ये उनको बताता था कि भाई जिसने करना है ये सक्सेस रेट है ये फेलियर रेट है Uh, मैं उनको डे वन से ये बात क्लियर कर देता था कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जिसने ट्रेनिंग लेनी है भाई आप वीबीसी से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले लें ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे हम लोग आपको हम तो सिर्फ जर्नी करवाएंगे और बूट के एक जर्नी का नाम है इसमें बारह महीने अठारह महीने लगेंगे आपके मंजूर है वाला जर्नी जी मंजूर है आ जाए अच्छा तो हमने प्रोफाइलिंग पे शुरू से बहुत ज़्यादा खैर अब तो प्रोफाइल बहुत एडवांस होती जा रही है हमारी लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी लेकिन एक बेसिक डाटा शुरू से हमने रखा है इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्बली साल की दो बैचेस की अगर कंबाइन में करूँ तो दस से बारह हज़ार अप्लीकेशनस आती थी, थी बूट कैंप की और पूरे साल में कितने लोग बूट कैम्प में सेलेक्ट होते थे पूरे साल के अगर मैं मिला लूँ नौ सौ तो कहाँ दस से बारह हज़ार एप्लीकेशन का आना ये वो लोग हैं जो पैसे देने के लिए तैयार हैं आपको हम तो लेने के लिए तैयार नहीं क्योंकि हमें खुद डर लगता है हमें डर इस बात का लगता है कि ये बिज़नेस है सीरियस बिज़नेस है पैसे लगेंगे डूबेंगे भी बनेंगे भी डूबेंगे भी तो हम ये वाला रिस्क नहीं ले सकते अच्छा सेकेंड पॉइंट हमने तो पहली बात तो ये कि अपने स्टूडेंट्स को जिनको ट्रेन किया क्योंकि पाकिस्तान में तो पहली बार तो एक्सपर्टीज़ ही नहीं थी इसके ऊपर ये तो सब्जेक्ट किसी को पता ही नहीं था इसके बारे में तो हमने ही बिल्ड किया उनको ट्रेन किया बिल्ड किया और हमने एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर कमीशन का ना कभी कल्चर रखा है ना हमारा कभी कोई प्रोग्राम है ऐसा हमने कभी ये वाला कल्चर नहीं किया कि आप एक स्टूडेंट को लाते हैं और कहते हैं कि ये आपके ट्रेनर हैं आप इनके साथ पूरा जर्नी करेंगे आई क्रिएशन से लेकर लॉन्च तक हमें पता है ये तो होने वाला नहीं है इसमें नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि इस ट्रेनर का ए टू जेड जर्नी का एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता तो एक्सट्रीम कॉमर्स में अच्छा फिर कमीशन का कल्चर के आप ऐसा करें फोर्टी परसेंट रख लें सिक्सटी परसेंट हम रखेंगे हमने ऐसा कभी ना कल्चर डेवलप किया है कमीशन का ना हमें इसमें कोई इंटरेस्ट है हमारी सारे एम्प्लॉयज़ पेरोल के ऊपर हैं हंड्रेड परसेंट पे रोल के ऊपर है और सबके अपने अपने डिविजन्स हैं हर डिविजन्स के हेड बने हुए मैनेजर्स हैं एम्प्लॉयज हैं जो अपने फंक्शन के हिसाब से के पी आई इसके अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं hmm. तो स्टूडेंट जब एंटर होता है वो जर्नी पूरा कम्पलीट परफॉर्म करता है Same. तो हमारे प्लेटफॉर्म से लोग निकले हैं लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए अपनी ट्रेनिंग कंपनियाँ बनाई अपने कोर्सेस लॉन्च किए मैं किसी को स्टॉप नहीं कर सकता लोगों की मर्जी जिसने जो करना है करे अच्छा डू यू थिंक because you mentioned, ke, you know, obviously there are other people who really sort of changed the way. And I agree, I got introduced to extreme commerce in 2019, or while you, you know, you were marketing it one way or the other, you were telling people, you know, this is a potential way to, uh, make money and so on and so forth or digital businesses, but it was more like more of a speech. speech. स्पीच तो ठीक है स्पीच um, से ज्यादा वो ये था कि इंफॉर्मेशनल था जी वो uh, उतना ख़ाब नहीं दिखाए थे वो ज्यादा ये था कि यार दिस इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कम इफ यू मे एंड दैट्स परफेक्टली फाइन यू नो आई मीन बट देर वर अदर प्लेयर्स एंड 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 रियली ऑफ सैचुरेटेड द मार्केट क्रिएटेड अ प्लेस रियल जहाँ पर सच्ची बात है कि इवन इफ अगर आप कर सकते होते तो वो इतना बंदा एब्जॉर्व करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है Correct. मैं कहता हर बंदा भी वो हो जाए प्रॉब्ली माई क्वेश्चन हेयर इज़ के एक एंड के ऊपर आपके पास जो है वो जो 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 आपकी वो चल रही है कोर्सेज यू नो इनक्यूबेटर्स ऑल ऑफ दैट परफेक्टली फाइन जो एक चीज़ मैंने पर्सनली नोटिस की है और वो मैंने अक्रॉस द बोर्ड नोटिस किया है रिसेंटली रीसेंटली अप ओवर द लास्ट फाइव ईयर्स वो एक कल्टेस्ट बिहेवियर मैंने नोटिस किया है um, वो कल्टेस्ट बिहेवियर आपके क्राउड का भी है वो के क्राउड का भी है uh, वो सर्टन रिलीजियस स्पीकर भी इमर्ज किए हैं उनके भी लोगों का है अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अलमिया है हमारा हमारे मुल्क का कि एक एलिमेंट ऑफ आई एम राइट आई नो एवरी थिंग एंड सो यू नो यू नीड टू इफ यू अपोज भी मैं इसका वो ये आपको इस तरह से बताता हूँ हालांकि देर आर अ लॉट ऑफ रीजन फॉर इट आप कोई क्रिटिसिजम आएगा कोई क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो लोग आके चढ़ जाएंगे आपके ऊपर एंड दैट इस नॉट अ वेरी पॉजिटिव वे टू डील विद एनी थिंग बट मोर इम्पोर्टेंटली आ, उस पर जो मैंने जितना भी रिसेंटली जब मैंने ये पोस्ट डाली तो मुझे नीचे लोगों ने आगे क्वेश्चन किया उन्होंने कहा कि जी जितना ये एक्सट्रीम कॉमर्स के कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उसके अंदर जाते हैं उसके अंदर आप सवाल करते हैं तो आपको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है आप उसके अंदर जाते हैं कम्युनिटी में जाते हैं कोई सवाल करते हैं तो आपको फ़ौरन से बैन कर दिया जाता है आपकी पोस्ट डिलीट कर दी जाती हैं अच्छा देखिए उसमें मॉड्रेशन तो हर जगह होती है हमारी भी टी बी टी कम्यूनिटी है हम कहते हैं यार रिलीजन पॉलिटिक्स उसको साइड पर रखो गालियां ना दो कर्टियस हो ये हो वो हो बट अगैन वॉइस ऑफ वॉइस ऑफ ई कॉमर्स में गया उस पर जाके आपके ग्रुप की वो आई हुई थी जिसके अंदर लोगों ने बड़े डिजिटिव सवाल किए हैं जिस तरह मैं सवाल कर रहा हूँ सर उन्होंने भी किए हैं वो वहाँ पर लोग बैन हो रहे हैं और उन्होंने आके स्क्रीन शॉट्स चाली हुई के बैन हो रहे हैं तो उनके लिए अगर मैं सवाल पूछूँ कि इज़ दैट बिंग डन बाई योर मॉडरेटर्स आई यू अवेयर ऑफ़ दैट एंड इफ दैट इज़ हेपनिंग वाई इट दैट सम हाउ देर इज़ दिस अमेज़ोन कम्यूनिटी में मैंने ये बहुत देखा है क्लोजली कि वो एक पत्थर के वो शीशे के ग्लास की तरह ऑपरेट करता है कि मेरे से ज़्यादा सवाल ना पूछो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगा मैं सुकून में अपने आपको रखूँगा और जैसे ही मैं आऊँगा तो मैं चढ़ कर आऊँगा वो अनफॉर्चुनेटली uh, एक और कल्ट को मैं अभी कॉल आउट करने लगाऊँ अनफॉर्चुनेटली लेकिन चलें आई आई गो विध दैट बकार हैं वक्त दफ़ा टी वी पर गए और टी वी पर जाकर उनसे एक साहब ने सवाल पूछा उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ये जो आप कर रहे हैं इससे पोटेंशियली बच्चों के लॉसेज हो सकते हैं और समथिंग लाइक दैट उसका जवाब वकार जका साहब ने इस तरह से दिया कि उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ पता नहीं कि उन्होंने चीखना शुरू कर दिया उन्होंने कहा तुम्हें ये पता है तुम्हें वो पता है मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ये किया मैंने वो किया और फिर जो उनका क्राउड था उन्होंने जाकर पूरी दुनिया में वो फैलाई कि देखो जरा जी ये मेरा मैंटो है इसने वो किया और कोई उसमें इंटलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं था हालांकि वकार इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय आई नो ही इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय बट इट्स द वे दैट ही चूजेज टू अप्रोच द प्रॉब्लम राइट के लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम लेट्स नॉट बी क्रिटिकल हेयर let's try to strong arm the, the other side. So, so what would you say about this sort of cultist behavior that is prevalent across the industry, but I definitely know that at, at least on some level existed and still exists with extreme commerce. Um, जहाँ तक बात है कल्टिश बिहेवियर की ये प्रॉब्ली uh, uh, कुछ सौ साल अभी मजीद चाहिए हमें उसको चेंज करने के लिए नथिंग आई कैन डू अबाउट इट Uh, मैं इनको uh, गाइड करता हूँ सबको uh, लोग मुझे एज अटोर ज़्यादा देखते हैं और एज अ बिज़नेस मैन भी देखते हैं क्योंकि मैंने खुद बताया देखो मेरी ये दो पर्सनैलिटीज़ हैं uh, मैं एक अंटरपनोर हूँ मैं बिजनेसमैन मैन भी हूँ मैं एक मैंटोर भी हूँ तो डिफरेंट जगहों पर मैं डिफरेंटली रिएक्ट करूँगा कल्टिश बिहेवियर वाली जो बात है वो uh, मैंने देना शुरू किया मैंने चीज़ें बनानी शुरू की आ, लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हुई है ज़्यादातर की लाइफ इम्पेक्ट हुई है बहुत से लोगों के अमेजोन बिजनेस में लॉसेस भी हुए होंगे इट्स पार्ट ऑफ लाइफ अब आ, मैं इनको ये भी कहता हूँ कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए ब्लाइंड फॉलोइंग के मैं सख्त खिलाफ हूँ मैं तो ख़िलाफ़ हूँ उसके उसकी वजह यह है कि मैं गलती करूँगा पूरी कौन गलती करेगी बोलेगी जी हमारे लीडर ने बोला है hmm. मैं तो डबो दूँगा पुरुषिप तो ब्लाइंड फॉलोइंग एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि ब्लाइंड फॉलोइंग इज़ अ वेरी बैड कल्चर तो अब इनको एजुकेट भी कर रहे हैं टाइम लगेगा इनको समझने में अब आ जाइए सेकेंड पार्ट वो ये है कि मॉडरेटर्स क्या कर रहे हैं मॉडरेटर्स जो कर रहे हैं क्या मुझे नहीं मालूम उसका बिल्कुल मुझे मालूम है मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि मुझे नहीं पता आ, बस मैं मेरे पास एक्सक्यूज ही हैं बस इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं मेरे पास एक्सक्यूज़ ये है कि जी मॉडरेटर्स हैं मैं तो नहीं ना तो मेरे पास फ़िलहाल तो ये एक्सक्यूज़ है और मॉडरेटर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है अगेन ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है मैं एक शख्स अच्छा मैं अक्सर कॉमेंट्स देख भी रहा होता हूँ अच्छा फिर मैं कमेंट देखते देखते मैं कमेंट में ये भी लिख देता हूँ कि देखें ये मुझे तो नहीं लगता है, ये कमेंट में कोई मसला है और आपका कमेंट जो है क्रिटिकल जैसा भी है मैं उसका ये रिस्पांस दे रहा हूँ लेकिन आई होप कि मॉड इसको डिलीट ना करें अब मॉड्स को ट्रेनिंग दी हुई कि भाई जहाँ सनी भाई ने कमेंट कर दिया आप टच नहीं करें उसको डिलीट मत कीजिएगा तो वो हर शख्स अपने एंगल से चीज़ों को देखा है उसको वो बड़ा क्रिटिकल लग रहा है बड़ा गुस्सा आ रहा है ये ऐसी बात क्यों बोल दी जबकि मैं कह रहा हूँ हाँ सही है ये ओके है इट्स शुड बी एक्सेप्टेबल अच्छा इस साल हमने थोड़ी चेंजेस किए हज़ार 2022 में जब से शुरू में रिहान भाई से मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी कि लोग जो कह रहे हैं बोलने दो उनको तो ब्लॉक व्लॉक करने वाला जो है नहीं होना चाहिए अच्छा चले अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे ब्लॉक करते क्यों हैं भाई ब्लॉक लोग होते किस बात पे हैं किसी भी ग्रुप में चले जाएं कोई शख्स अगर गालम गलोज देगा बदतमीजी से बात करेगा उसने ब्लॉक होना है आ, अब आ जाइए कि एक शख्स कहता है नहीं मैं तो कोई बड़ी तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तो गाली वाली नहीं दे रहा मैं तो बस एक एक क्रिटिकल सवाल कर लेकिन वो क्रिटिकल सवाल क्या है क्यों फ्रॉड करते हो <laughs> क्यों लूट रहे हो हाँ। अब आप इसको क्या किस एंगल पर तो ये बड़ा कोई क्रिटिकल वो है या ये गाली है ना ये गाली है ना ये क्रिटिकल वो है तो सीधी सीधी एलिगेशन है तो मॉर्ड को ट्रेन किया हुआ है कि अगर कोई वन वे जजमेंट पास कर देना वन वे जजमेंट कहते हैं कि आपको कॉन्टेक्ट का पता नहीं है आपको बैकग्राउंड का नहीं पता तीन महीने पहले आप इंटरनेट नया नया जिंदगी में आया आपकी लाइफ में आप सत्रह साल आपकी उम्र है पहली बार इंटरनेट पे आपको आज़ादी मिली है अपना एक्सप्रेशन देने की hmm. तो आपने कहा भाई क्यों लूट रहे हो तो अब बेचारे को क्या करें hmm. या अब किसी के पास टाइम है इतना कि समझाएं कि नहीं नहीं हम नहीं लूट रहे हम बहुत नेक लोग हैं हम किसी को नहीं लूटते या हमारे खर्चे बहुत हैं भाई हमारी भी ऑपरेशनल कॉस्ट है तो वन वे एलिगेशन को ब्लॉक कर देना चाहिए जो बदतमीजी से बात कर रहा है उसको भी ब्लॉक कर देना चाहिए भाई यही कुछ रूल्स हैं लेकिन वो जो क्रिटिकल स्टेटमेंट्स या क्रिटिक्स जो हैं उनके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करना शुरू कर दिया पिछले मैं समझता हूँ पिछले साल के एंड से ही मैंने टीम को बोलना शुरू कर दिया था कि नहीं अब आप नहीं करें इतना इनको ज़रा क्योंकि रिहान भाई से काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ था इसके ऊपर तो ये हमारा एक मेजर चेंज है बस ये कि एज अ टीचर अगर कोई मुझसे पूछे कि एक शख्स को, को बैन करने की क्या वजह हो सकती है तो मैं जाती तौर पर यह कहता हूँ मुझे लूजर नहीं पसंद मुझे विनर पसंद है अगर आपने एक एंट्रप्रनोरशिप का कल्चर क्रिएट करना है मुल्क के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक हाफ बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान में बिलियन की तो नहीं हुई लेकिन हाफ बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है ठीक है वो लूज नंबर्स हैं वो अभी कॉन्क्रीट नंबर्स नहीं है लेकिन नजर आ रहे हैं कि हाँ हाफ बिलियन डॉलर की एक्टिविटी है तो इसको 10 बिलियन डॉलर करने के लिए क्या चाहिए 99 और स्किल्स ऐड करो तो 10 बिलियन डॉलर हो जाएगी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं 10 बिलियन डॉलर कोई डिफिकल्ट नंबर भी नहीं है मेरे लिए तो बड़ा आसान नंबर है strategy, मेरे पास स्ट्रेटजी है मेरे पास प्लान है कि ये 10 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे लानी है मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मेरे पास फार्मूला है और मैं रिजल्ट ला रहा हूँ उसके ऊपर तो लेकिन इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए अंटरप्रोनरशिप की किताब का पहला चैप्टर खोलते हैं तो लिखा होता है विनर वर्सेस लूजर एजुकेशन है राइट right. तो एज अ टीचर मुझे ये वाला एटीट्यूड विनर वाला पसंद है कि विनर होना चाहिए इंसान को ग्रेटफुल होना चाहिए इंसान को पैसमिस्ट uh, नहीं होना चाहिए ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए तो जब वो ट्रेड्स में देखता हूँ तो फिर वो हमारी एक रफ सी गाइडलाइन है मॉड्स के लिए कि लूजर को भी माफ़ कर दो उसे भी माफ़ कर दो लेकिन जो टॉक्सिक लूज़र है जो ए, ए, लूजर कहता है कि मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता टॉक्सिक लूजर कहता है मुझे लगता है तुम सबका कुछ नहीं हो सकता ये बहुत खतरनाक है आप इमेजिन करें एक हजार टॉक्सिक लूजर्स को फेसबुक का एक ग्रुप दे देते हैं उनको बोलें कि जाओ डिस्कशन करो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हमने तुमको मुझे मालूम है कैसा ग्रुप पूरी इकोनॉमिया तबाह कर सकते हैं ये लोग पूरी हाँ। पूरे, पूरे आ, सोसाइटी को डैमेज कर देंगे ये लोग टॉक्सिक हाँ। लूजर्स आर डेंजरस फॉर सोसाइटी हाँ। इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए इनके पास इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए कभी ट्विटर जनरली क्या ट्विटर जो है वो जनरली ऐसा ही थोड़ा सा एक्सट्रीम कॉमर्स करा दूँ सच्ची बात है यार नो के बड़े सारे हैं के भाई आपने ये सवाल नहीं पूछा वो सवाल नहीं पूछा मैंने वो सवाल पूछे जो मुझे लगते थे कि डिजर्व एन आंसर टू बी वेरी अ लॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस मे बी लेजिटिमेट आई डोंट थिंक आर नॉट सब्सटेंशियल इनफ सनी um, um, भाई ने आके जिस तरीके से अपनी ओवरऑल आई मीन जहाँ पर आप खड़े हैं ना आपने कोई ऐसा किया जो इलीगल के ज़ुमरे में आता है ना आपने ऐसा किया कोई मॉरल के ज़ुमरे में आता है ना आपने कोई ऐसा किया कि जिसके ऊपर आपको कोई वो को हो सकता है तो मैं उससे आगे मैं जाऊँगा नहीं आपका वो ज़ाहिर है पर्सनल हो सकता है आई डोंट थिंक आई वुड वेस्ट दिस पॉडकास्ट ऑन देट तो मैं आगे जाऊँगा एंड नाउ आई वुड लाइक टू सर शॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट इंडस्ट्री वाइड परसपेक्टिव ऑन सर्टन थिंग्स एक छोटा सा मसला जो पाकिस्तान में आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि आप जैसे बहुत सारे इस वक्त लोग ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर आप कर रहे हैं अमेज़ान के अंदर ऑपरेट वहाँ पर शाम सर्वर कर रहे हैं फ्री के अंदर ऑपरेट वहाँ पर आज़ाद चाय वाला कर रहे हैं फिज़िकल बिजनसेस के अंदर ऑपरेट वहाँ पर रेहान अल्लाह वाला कर रहे हैं डिजिटल के ऊपर यू नो देर आर लॉट ऑफ दिज पीपल जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में कर रहे हैं कुछ लोग आपकी इंडस्ट्री में भी कर रहे हैं अच्छा इन लोगों से जब मेरी बात होती है तो हर इंसान जाता है और जाके कहता है कि सर 500 मिलियन डॉलर तो आ गया है मुल्क में और आपका भाई लेकर आया राइट और 10 अरब डॉलर डाल, पे जाने के लिए भी आपका भाई बताएगा सोल्यूशन राइट प्रॉब्लम यह है कि ना पाँच मिलियन डॉलर को एक बंदा लेकर आए बहुत सारे लोगों की एक 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 कंबाइंड कंसोलिडेटेड एफर्ट है जिसके अंदर वर्डप्रेस का भी काम हो रहा है आपने भी फाइवर का कुछ बताया होगा चार और लोगों ने बताया सब ने मिलकर फाइवर को एक प्रॉपर प्लेस बना दिया वर्डप्रेस um, प्रेस को एक प्रॉपर प्लेस बना दिया सो ऑन एंड सो फोर्थ पहला तो मुझे जो जो आई गेस बिगेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि एवरीबडी वर्कस इन देर ओन साइलोस एवरी बडी वॉन्ट्स अ डेमी गॉड वर्शिप Ke I am the biggest king running in the industry right now nobody wants to accept kr it's a huge industry you're a very small player let's be very real you know like there are so many other players you all come together and you're all helping people out one way or the other and so if you really want change and impact it's really going to happen when you all sort of collaborate and work together रेहान भाई से आपने यू नो डिस्कस किया एंड ही हेल्प यू थर्ट ऑफ सी डिफरेंटली एज वेल कोलेब्रेशन मिसिंग है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों मुझे लगता है कि कोलाबोरेशन एक बड़ी डैमेजिंग है लैक ऑफ कोलेबोरेशन जब मैं देखता हूँ ना स्किल्स वाली इंडस्ट्रीज को तो स्किल्स वाली इंडस्ट्री डायरेक्टली टारगेट करती है वैल्यू एडिड इंडस्ट्री को वैल्यू एडेड मैं किसको कहता हूँ आप आई सेक्टर से पहले हैं, बहुत कम लोग हैं जो आई सेक्टर वाले हैं जनरली बहुत सारे लोग हैं उसटल टपवाना स्किल मेड अ सक्सेस स्टोरी एन दैन ऑफ़ गो फॉरवर्ड देखें आज अगर एक एवरेज एमजोन का जो जो सक्सेसफुल होंगे ना लोग जो कि बिजनेस रन कर सकेंगे स्टेज टू स्टेज थ्री वाले स्टेज वन वाले भी टू सम वो बहुत थोड़े होंगे बहुत एक टॉप ऑफ द पिरामिड होगा मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर चार से छः वाला वर्चुअल असिस्टेंट और सो ऑन एंड सो फॉर्थ उसमें से शायद थोड़े थोड़े ओवर द लाइफ टाइम ग्रेजुएट करके आगे निकल जाए मैं इस चंक को उठाता हूँ और मैं इस चंक को कंपेयर करता हूँ लैट्स वर्ल्ड प्रेस के डिवेलपर से ग्राफिक डिज़ाइनर से सो ऑन एंड सो फोर्थ ये सारा काम फाइवर वाला मैं बड़े अरसे इस पॉडकास्ट के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये बात कर रहा था ए रिप्लेस कर देगी ये पिछले एक महीने में तो इस वक्त एक आग लगी हुई है विद डैली एंड यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ऑटोमेट हो जाएंगी आने वाले वक्तों के अंदर स्किल इज अ इज़ यू एंड स्किल्किल योर सेल्फ़ लेकिन ये जो लोग हैं ये कैनिबलाइज कर रहे हैं एक दूसरी ऑडियंस को छोटी सी अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दी दे मिसाल देने की मेरा एक दोस्त है पिछले दिनों मुझसे मिला उसने मुझे बताया कि उसने बहुत सारी क्रिटिसिज्म दी अगेन मैं उसमें घुसा नहीं ड्रॉप शिपिंग की उसने कहा कि जी आप लोग ड्रॉप शिपिंग का कोर्स वगैरह भी देते हैं आ, उस पर एडवाइस करते हैं ड्रॉप शिपिंग को सेल गलत तरीके से किया जाता है उस पर एक्चुअली रेवेन्यू एक अलग चीज़ है मार्जिन बड़े थोड़े होते हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ पैसा डूबा वगैरह वडेवर समझ बताया कि जी मेरा एक दोस्त मेरा कज़न है फर्स्ट कज़न है बहुत स्मार्ट लड़का है आई में जब सी में एडमिशन लेने लगा था उसने अब कहा कि यार मैं छोड़ के जो है न मैं जा रहा हूँ मैंने ये वीडियोज़ देखी हैं और मुझे लग रहा है यही सीन है और मैं अब कराची मूव कर रहा हूँ डेरा इसमाइल खान से और मैं जा रहा हूँ जाके वहाँ पर इनक्यूबेटर में जाऊँगा और वहाँ बैठ के जो है ना मैं अमेज़ोन का काम करूँगा और वो जिस जो उसने मुझे उस बच्चे के बारे में बातें बताई हैं वो फास्ट वगैरह जाना चाह रहा था तो वो बच्चा जो है ना वो ग्रेजुएट करता ना तो वो बहुत आराम से तीन से पाँच साल के अंदर उसकी जो अर्निंग थी वो आठ से दस हज़ार डॉलर वाली थी वे एज अब वो अपने वो को रेलीगेट करेगा एक एम्पॉरिश इलाक़े से आ रहा है टू फोर टू सिक्स हंड्रेड डॉलर्स राइट जो आपने डटा वाली बात बोली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डज एवरी हैव टू बी अ फ्री आंसर हमारे यहाँ बड़े लोग आ रहे हैं आके कह रहे हैं सब फ्री इज द दैलवेशन और ये तो सब वो है और वो सेल उसको इस तरह से कर रहे हैं कि आई वाले तो तुम्हें थक लगा रहे हैं बी योर ओन बॉस एंड दिस एंड नो इट्स नॉट दैट दैट्स नॉट ट्रू देर आर सर्टन एलिमेंट्स दैट सूट सर्टन पीपल एंड सो फॉर दैम फ्री लांसिंग और एमजॉन और सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर्थ वर्क देर आर सर्टन थिंग्स दैट वर्क फॉर अदर पीपल एंड दैट इसलैबरेट एंड ऑप्टिमाइज द रीज़न वाई दस साल हो गए मुझे सुनते हुए कि यार आई टी इंडस्ट्री बस साई एक बिलियन से दस बिलियन गई गई इस वजह से बिकॉज एवरीबडी इज़ वर्किंग इन दर ओन साइलो आई कैन गारंटी कि आप 2017 में आए होंगे 2018 में आपने मोमेंटम देखा आपने सोचा होगा कि यार 2022 के पाकिस्तान के अंदर क्योंकि अर्लीयर डॉक्टर जब आपका आया होगा उसकी सक्सेस ही बड़ी अच्छी होगी पढ़ा लिखा होगा डिफरेंट होगा आपने सोचा होगा यार इस पी तो लीनियर ग्राफ है इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई पे इस तरह डालूँ तो ये तो लोग इस तरह आ जाएंगे फैक्ट इज़ पाकिस्तान में इट्स नॉट अ लीनियर मल्टीप्लायर मोस्ट पीपल डो नॉट वॉन्ट टू वर्क द वे दैट यू वर्क मोस्ट पीपल डो नॉट हैव द कपासिटी टू लर्न द वे दैट यू लर्न मोस्ट पीपल डो नॉट हैव द ग्रिट दू the, नो the, you know, वो सारी सारी चीज़ें एंड सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग यार मैं क्या एफ के बच्चे को बाहर निकाल के जो कि शायद एक अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकता था उसको मैं अमेजान पर फेंक रहा हूँ क्या ये मैं सही काम कर रहा हूँ एंड क्या मैं ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें मैं रीड आउट कर सकूँ क्या मैं अपने अंदर मैंने स्टार्ट में आपसे पूछा था आर यू स्नॉन विद एम बिकॉज मे बी सिस्टम इज स्टार्टिंग अ बूट कैम्प एंड मे बी यू नो सम हाउ दिस कोलेबोरेशन क्रॉस पॉलिनेशन कैन हैपन कै यहाँ पर टेम्परेमेंट एंड एक वो टेस्ट लेने के बाद मेरा इनकी uh, बेटी जो है उसको मैं एक सिस्टम के साथ लिंक कर दूँ और कहूँ ये वाला पात लो सो वट यू थिंक अबाउट दैट वाई अगर मैं इंडस्ट्री परस्पेक्टिव से बात करूँ हाँ देखें पहली बात तो ये कि एको सिस्टम पैसे बनाता है इको सिस्टम जो है वो पावरफुल होना चाहिए इट्स नॉट अबाउट मी और यू इट्स नॉट अबाउट शाम सरवर और सनी अली और रिहान अल इट्स अबाउट इको सिस्टम एको सिस्टम नीड टू भी देयर एको सिस्टम नीड टू भी पावरफुल पाकिस्तान में ये मसला है कोलेबोरेशन इतना आसान नहीं है मैंने सबको कहा आओ इनकेटर में आओ आओ सारे आओ पढ़ाओ यहाँ बैठो टाइम गुजारो बच्चों के साथ टाइम गुजारो इंस्पायर करो इनको सिवाए रेहान भाई के कोई भी नहीं आया उसके अंदर रिहान भाई इज़ ऑलवेज देयर बाकीयों के ईगो के मसाइल हैं बाकी सारे पॉलिटिशियंस हैं बेसिकली पाकिस्तान में जितने मेंटोर हैं मिनटोर एक्चुअली पॉलिटिशियन है हर शख्स ने अपने आप को सर देख आ, मिनिस्टर समझ लिया कि मैं तो <laughs> मिनिस्टर हूँ <laughs> देख रहे हैं बात कर रहे। दे 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 भाई आपने बोला मैंने बोला तो मुझे आप कैंसिल <laughs> ये ये एटीट्यूड मैंने नोट मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ हम तो थोड़े से धुल गए राइट right. हम थोड़े मेले हैं लेकिन थोड़े धुल गए हैं वहाँ जाके तो हम जा थोड़े से डिफरेंट हैं हम लोग एनी वेज जो ये मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आता है तो इट्स अबाउट इको सिस्टम इट्स नॉट अबाउट मी मैं कल रहूँ या ना रहूँ इको सिस्टम रहेगा मिलियनस प्रोड्यूस करता रहेगा सोसाइटी के अंदर अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर सेकेंड पॉइंट ये है कि हम एक बच्चे को बोलें बेटा यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ो आओ अमेज़ॉन वी का कोर्स कर लो दो सौ तीन सौ डॉलर पाँच सौ डॉर महीने का कमा लो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी एब्सुलूटी रॉन्ग एब्सुलटली रॉन्ग hmm. मैंने 2018 से मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बार बार मैं इनको हैमरिंग कर रहा हूँ डिग्री नहीं छोड़नी डिग्री नहीं छोड़नी डिग्री करनी है डिग्री अच्छी हो बुरी हो जैसे भी हो दुनिया वालों को चाहिए दूसरे अम्मी अबू को चाहिए इमिग्रेशन वालों को चाहिए कनाडा वालों को चाहिए ऑस्ट्रेलिया वालों को चाहिए यू नेवर नो कल को सिंगापुर का वर्क परमिट मिलेगा आपको कुछ जॉब मिल जाएगी फिर आप बोलेंगे यार मैंने तो मैट्रिक ही किया हुआ है तो डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट अच्छा अब आ जाइए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों की प्रोफाइलिंग जरूरी है इट्स अब मैंने तो बच्चों की प्रोफाइल बना दी ना मैंने बच्चों को सिखाया देखो बेटा बच्चों की दो किस्में होती हैं एक कहलाता है अच्छा बच्चा एक कलाता है गंदा बच्चा जी सनी भाई क्या फ़र्क है दोनों के अंदर एक ही फ़र्क है अच्छा बच्चा रात को जल्दी से होता है फुल स्टॉप गंदा बच्चा रात को जागता है पूरी रात इबादत करता है वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करता है ये गंदे बच्चों की ट्रेट्स हैं अच्छा बच्चा डिसिप्लिन हो जाता है जो इंसान रात को जल्दी सोता है वो डिसिप्लिन है सुबह सात बजे उठेगा अच्छा उसे डिग्री करने में मौत नहीं पड़ती उसे जॉब करने में मौत नहीं पड़ती गंदे बच्चे को तो डिग्री करने में मौत सुबह उठने में मौत जॉब करने में मौत उसकी तो लाइफ ही अलग है हमारी सोसाइटी ने चूंकि इनको कैटेगराइज नहीं किया इनकी प्रोफाइलिंग ही नहीं की थी अच्छा मैंने प्रोफाइल करके उनको समझा दिया अच्छा सनी भाई मैं अच्छा बच्चा हूँ अब मैं क्या करूँ अच्छे बच्चे के पास दो ट्रैक्स हैं दो पाथवेस बनते हैं पहला पाथवे जाओ बेटा करियर बिल्ड करो जाओ कॉरपोरेशन में घुस जाओ अच्छा बच्चा जो डिसिप्लिन इंसान होता है वो करियर में मजे से ग्रो करता है करियर जो है उनकी गरारियाँ उसको ऊपर लेके जाती हैं ये अच्छा बच्चा तीस बत्तीस साल की उम्र में कनाडा की इमिग्रेशन भी ले लेता है वो कनाडा में जाके डाटा साइंटिस्ट बन जाता है उसकी बड़ी ज़बरदस्त जॉब होती है उसकी को तीन चार लाख डॉलर की तनख्वाह होती है उसके पास बड़ी गाड़ी घर सब कुछ होता है वो फिर अच्छा बच्चा पैंतीस छत्तीस साल की उम्र में को पाँच छः प्लॉट्स ले ले चुका होता है डी में बहरिया के अंदर अच्छा सनी हुई भी, भी गंदे बच्चे की लाइफ में क्या होता है भाई गंदा बच्चा स्ट्रगल करता है वो करियर में जाता है ग्रो नहीं कर पाता या गरारियां कॉरपोरेशन के जो गरारियां उसको सिस्टम से बाहर निकाल देती हैं या वो खुद ही टर्मिनेट वो खुद ही रिजाइन कर देता है गंदा बच्चा बेचारा दस साल स्ट्रगल करता है बत्तीस तैंतीस में कहीं जाकर लाख डेढ़ लाख रुपए की सैलरी पर पहुंचता है तो अच्छे बच्चे जो हैं कॉरपोरेशन में जल्दी ग्रो करते हैं चालीस साल की उम्र में हो सकता है वो पंद्रह सोलह लाख रुपए की सैलरी ले रहा हो लेकिन अच्छे बच्चों में मिलियनर्स कम होते हैं hmm. गंदे बच्चों में मिलियनर्स ज़्यादा होते हैं hmm. क्योंकि वो बेचारा मजबूर हो जाता है बिजनेस करने पे वो फिर दस साल मार खाता है एक दो बार बैंक हो जाता है लेकिन इवेंचुअली पैसे बना लेता है ठीक है अच्छा मैंने इनको पाथवे बता दिया मैंने इनको करियर ट्रैक्स बताए हैं तो मैंने इनको बड़ा क्लियर गाइडलाइन दिया कि भाई सबसे पहले अपने आपको पहुंचोसा नहीं भाई मैं अच्छा बच्चा हूँ मैं नाइट राइडर हूँ मैं डे राइडर हूँ मैं फाइन लाइनर हूँ मैं बॉटम लाइनर हूँ आप एक काम करो आप ए क्यों नहीं कर लेते मशीन लर्निंग क्यों नहीं कर लेते डाटा साइंसेस क्यों नहीं कर लेते अब फ्लूंट फैमिली से हो जी बिल्कुल चलो बेटा एक काम करो ये वाली डिग्री करो और जाओ अमेरिका जाओ या पाकिस्तान में करना है पाकिस्तान में कर लो क्योंकि डाटा साइंसिस के अंदर मशीन लर्निंग के अंदर ब्लॉक के अंदर मेटावर्स के अंदर दो दो लाख डॉलर साल की सैलरियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान से बैठ के लोग कर रहे हैं ये काम hmm. अब मैं ऐसे शख्स को जो डिसप्लेंड है जो रात को जल्दी सोता हो और मुझे पता है कि इसका चांस है कि ये ए आई लर्निंग और मशीन लर्निंग बहुत आगे जा सकता है मैं इसको बोलूँगी अमेजोन वी ए का कोर्स कर लो तो एक्सट्रीम कॉमर्स ने कभी अपने आप को कोर्स ओरिएंटेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर एमेजॉन वी ए का कोर्स लॉन्च कर देता तो मुझे भी वीडियोस बनानी पड़ती कि पंद्रह साल के बच्चे ने बीस लाख रुपए महाना कमाया कैसे कमाया जी हम आपका एमेजॉन वीए का कोर्स लिया था मुझे भी हाइप क्रिएट करनी पड़ती मुझे भी दबा के एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करनी पड़ती तो मैंने ये कोर्स ही नहीं लॉन्च किया मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना मैं ये काम करना चाहता हूँ मैंने प्रोफाइलिंग कर दी है अच्छा बच्चा ये काम करेगा गंदा ये करेगा स्टेज जीरो ये करेगा स्टेज वन ये करेगा स्टेज टू के लिए स्टेज थ्री के लिए, लिए ट्रैक्स हैं ट्रैक फॉलो करो जर्नी फॉलो करो मैं कहता हूँ क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि यार कंज्यूमर की तरफ से प्रेशर डाला जाए कि यार रेगुलेट करें इंडस्ट्री को कोर्सेज़ की इनक्यूबेशन की चेक करें कि इनके सक्सेस रेट क्या हैं इनकी एडवर्टाइजिंग को चेक करें एग्री टू इट नहीं गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट के काम हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग ये इनफैक्ट गवर्नमेंट्स के काम होते हैं हुँ. आप मुझे एक बात बताएं अगर मैं आ, ये बोलूं कि गवर्नमेंट ये बोले कि जी दस डॉलर का हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं जाके यू डी पे कोर्स ले लो गवर्नमेंट पे करेगी टेन डॉलर्स तो एक लाख लोगों को कोर्स करवा देंगे तो उसमें दस हज़ार लोग तो पैसे बनाना शुरू कर देंगे तो क्योंकि दस परसेंट का सक्सेस रेट होता है किसी भी कोर्स का नाइन्टी तो नहीं बना पाएंगे अच्छा गवर्नमेंट कहती चलो हम ये जर्नी करवा देते हैं तो चलो ठीक है जर्नी का हमने का एक्स अमाउंट ऑफ सक्सेस रेट है तो रेगुलेशन एक हद तक होनी भी चाहिए डाटा ट्रैकिंग होनी चाहिए प्रोफाइलिंग होनी चाहिए जर्नी ट्रैक होनी चाहिए है। हमने अपने आप को स्पेशलाइज कर दिया जर्नी के अंदर हम जर्नी के अंदर अपने आप को मास्टर बनाते जा रहे हैं कि जर्नी करना है जब भी करना है अब इसमें जो फाइनल पॉइंट जो मुझे समझ आता है वो ये है कि हम आ, मैंने बच्चों की ये प्रॉब्लम्स को समझते हुए मैंने फिर इसी कॉलेज बनाया एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज बनाया सही है और एक्सट्रीम कॉमर्स कॉलेज के अंदर मैं ए आई मशीन लर्निंग डाटा ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज लाना क्योंकि ये वो पाथ है जो पाँच साल तक जाएगा राइट right. जो पाँच साल के बाद रिजल्ट देता है क्या मैंने बच्चों को समझाया कि देखो डिग्री भी चाहिए दो पासपोर्ट्स भी चाहिए इनकम भी चाहिए पैसे भी कमाने हैं आपने और जल्दी शादी भी होनी चाहिए उसकी वजह यह कि हमारी सोसाइटी के सिस्टम ने आठ साल लेट कर दिया सबको hmm. हर बच्चा आठ साल स्लो मूव कर रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डिग्री करो ड्यूरिंग डिग्री प्रोग्राम आप पैसे भी कमाओ Hmm. तो मैंने कॉलेज इस तरीके से डिज़ाइन किया कि उसका एक फ्लोर कॉलेज होना चाहिए दूसरा फ्लोर इनक्यूबेशन होना चाहिए सही है तो और यूके की क्वालिफिकेशन है जो कि थोड़ी कन्वीनियंट है आसान है उसमें नौ नौ घंटे दिन के नहीं लगाने पड़ते थोड़ा कम घंटों में काम चल जाता है और बाकी के घंटे आप इनक्यूबेशन फ्लोर पर लगाएं किसकी है क्या, क्या, यूके की पियर्सन के साथ है और पियर्सन वालों की ये क्वालिफिकेशन होती हैं पहले साल को एच एन सी कहते हैं दूसरे साल को एच एन डी कहते हैं उसके बाद जो तीसरा साल होता है वो बच्चा इंग्लैंड जाके किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ अपना अंडर कर सकता है ठीक है या वो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को थर्ड ईयर पाकिस्तान में भी ला सकते हैं आप दोनों ऑप्शन क्या क्या है मतलब उसमें बिजनेस के ट्रैक्स हैं उसमें फाइनेंस के ट्रैक्स हैं उसमें कंप्यूटिंग के ट्रैक्स हैं उसमें चार डिफरेंट ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर हम काम तो असेंशली इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली जो आपका कॉलेज

से चार पैसे भी बनाएं और अपना फ्यूचर के ट्रैक को भी सिक्योर करें तो right. कल को आप कहते हैं कि जी मैंने बिजनेस ग्रो करना है बिजनेस ग्रो कर लेना hmm. आप कहते नहीं बिजनेस ने ग्रो करना मुझे अच्छी जॉब करनी है दो लाख डॉलर की तो वो कर लूंगा मैं बट ड्यू थिंक आई टी वालों को इस चीज़ के ऊपर लगाना सो लेट मी गिव यू एन गिटर राइट आपके पास एक मॉडल है और उस मॉडल को बजाय इसके कॉन्ट के, के, के एक मेरा कोर हार्ट है मैं हर चीज़ को उसी भी वापस लेकर कर आऊँगा उसको तो आप थोड़ा एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप उसी को पैरेलली भी कर सकते हैं I think one of the biggest problems that I have found, um, chairman, current chairman, Software Technology Zone Authority, CIO, all on the podcast. You guys can check out those uh, episodes as well. Systems ki puri leadership. Se I think the number one problem facing Pakistan's IT industry right now, and IT industry is big money. Like, that's not, while you need hundreds of thousands of freelancers to, let's say, reach a billion, you need a certain amount of क्योंकि वो जो जो बायन है वो बहुत स्ट्रांग है ना आप तीस हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार डॉलर पोटेंशली एक एक रिसोर्स सालाना लेकर आ सकता है उसके ऊपर जो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टैलेंट का राइट कि आपके पास जो है वो लजिटोमेट टैलेंट नहीं आ रहा जो कि आई की वर्ल्ड क्लास सर्विसज प्रोवाइड कर सके अब वो जो टैलेंट है उसमें से मजीद प्रेशर उस टैलेंट के ऊपर पढ़ना शुरू हो गया पहले ही होता था कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में बच्चे जाते थे और आईटी में बस कहीं नहीं हुआ तो यार आईटी में घुस गए तो द स्मार्टेस्ट टैलेंट वुड एक्चुअली एंड ऑफ समी आई टी टैलेंट वुड जस्ट जनली समवेयर इन द मिडिल फिर वो यू नो बहुत सारे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स ने आके तोड़ना शुरू कर दिए कि यार एमेज़ॉन में आ जाओ इधर आ जाओ उधर आ जाओ उनको और प्रेशर पड़ रहा है अब अगर आप कह रहे हैं कि यार मैं ट्रेन कर रहा हूँ स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के अंदर ट्रेन कर रहा हूँ बजाय इसके कि जाहिर है देखें एक बच्चा है वो उसको आप एआई के जितने भी खाब दिखा दें पाकिस्तान में वो बैठा हुआ है ना तो उसको इतना कुछ पता तो नहीं लग रहा साथ उसको आप तीन तीन सौ डॉलर देना शुरू कर दें महीने के वो बच्चा डॉलर पे जाएगा साफ सी बात है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर यू ऑलवेज चूज़ मनी ओवर एजुकेशन यू ऑलवेज चूज शॉर्ट टर्म ओवर लॉन्ग टर्म बेसिक ह्यूमन की है मैज लो जहरार की है अगर मैं वही चीज़ जाऊँ जाकर और मैं अगर इसमें आपको इंडस्ट्री की स्पेस बताऊँ तो इंडस्ट्री में ये चल रहा है कि यार कंपनी बच्चा बिल्ड नहीं करती है एक लाख रुपए का वो बच्चा होता है वो छः महीने एक और कंपनी में जाता है डेढ़ लाख पे होता है छः महीने बाद वो तीन लाख पे पहुँचा हुआ होता है इट इज़ अनसस्टेनेबल इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस आप इंडिया में जाते हैं इंडिया की एक अरब डॉलर की आई इंडस्ट्री है टाटा कंसल्टिंग एक सौ बीस एक लाख बीस एक लाख तीस हजार सिर्फ अपने एम्प्लॉई रख के बैठा हुआ है लार्ज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न बिग मनी इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले पाँच साल में ये सेल किया है कि यार ये लार्ज आई टी इंडस्ट्री ये नहीं वो नहीं फ्री लांसिंग इस तरह सेग्रीगेटेड तो अगर इस बच्चे को मुझे ग्रो कराना है तो मुझे लाइजन इसको बिजनेस के साथ नहीं करना मुझे लाइजन इसको करना है इंडस्ट्री के साथ मेरा जो पच्चीस हज़ार बच्चा ऑन एवरेज आईटी का ग्रेजुएट यूनिवर्सिटियों में जाता है उसमें से पाशा कहता है जी टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट एम्प्लॉयबल है दैट्स ए रेलिवेंट अमाउंट जितनी मुझे चाहिए डिमांड और जो सप्लाई निकल रही है प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जो जो एकेडीमिया में पढ़ाया जा रहा है वो इंडस्ट्री में एप्लीकेबल ही नहीं है आपका मॉडल अच्छा है वाई डोंट यू कनेक्ट दोज पीपल टू द इंडस्ट्री कि वो बच्चा साथ साथ मेरी पढ़ाई कर रहा है और इंडस्ट्री के साथ मेरा कोई ऐसा मॉडल है कि यार मेरा बच्चा रिमोटली बैठ के लट से मेरे इंक्यूबेटर में ही सिस्टम्स के लिए काम कर रहा है या एफिनिटी के लिए काम कर रहा है या किसी स्टार्टअप के लिए काम कर रहा है और वो वहाँ से ग्रो कर रहा है मुझे जो असल प्रॉब्लम नज़र आया है वो है क्या वो है अर्ली एज में काउंसलिंग का मिसिंग होना बच्चा ग्रो हो के बड़ा हुआ है और सारी ज़िंदगी उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा है उसने अल्जबरा पढ़ ली उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए है और उसने कहा जी सोसाइटी ये कहती है बेटा आप अच्छे हों गंदे हों जाओ बेटा तीस हज़ार की नौकरी से स्टार्ट करो पूरी कॉम एक ट्रैक पे चल रही थी अच्छा आके मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्बन की और मैंने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया वो है काउंसलिंग ये है जो रियल चीज मिसिंग है लोगों की लाइफ में मैंने बच्चे को कहा कि भाई सबसे पहले प्रोफाइलिंग समझो अपनी भाई आप हो कौन तो अच्छे बच्चे की ये ट्रैक है ये पाथवे बनता है गंदे बच्चे का ये पाथवे बनता है नाइट राइडर्स का ये बनता है फाइन लाइनर्स का ये बनता है बॉटम लाइनर्स का ये बनता है आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये वाला पाथ आपके लिए ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा लॉन्ग रन में हर बच्चे को एजेंसी नहीं बनानी हर शख्स को अमेजोन पर नहीं जाना अमेजोन से हटो दुनिया बहुत बड़ी है जाओ मेटावर्स में जाओ वहां काम करो लेकिन एक रूरल बच्चा मेरे पास आता है जो इंटर पास है मैं उसको मेटावर्स के ख्वाब नहीं दिखा सकता नहीं मैं अग्री करता हूं आपसे yeah. मैं एग्री करता हूँ मेरा okay. जो मेरा वो है वो आपने कहे तो आपने बड़ा अच्छा दिया आपने कहा कि क्योंकि आपका अपना जो है वो अमेजान का है तो आप उसके अंदर रहेंगे yeah. मुझे जो मसला नजर आ रहा है ना आपने मुझे मैं, मैंने आपसे पूछा मैंने कहा कि आपने को क्यों नहीं किया आपने कहा वो 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 आके मेरे इनक्यूबेशन सेंटर में नहीं आ रहे yeah. मैं काउंटर आपने कहा उनकी ईगोस का मसला मैं काउंटर पर ये भी कह सकता हूं कि आप भी तो उनके पास नहीं जा रहे राइट द पॉइंट इज के हाउ डू यू गेट द अर्बन किड कनेक्टेड टू द राइट थोड़ा सा यहाँ पर आपकी एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है कि जब आप अमेजोन से आप ब्रांच आउट कर रहे हैं बिकॉज यू या तो आप कहते हैं कि यार देखें हमारा फोकस अमेजोन है नहीं नहीं बिल्कुल हम छोटा रखना चाहते हैं हम ये नीच में रहना चाहते हैं हम इसमें ऑपरेट करना चाहते हैं आप बड़े हो रहे हैं तो आपको वो सवाल आएगा वो सवाल आएगा कि यार डू यू इवन हैव द केपेबिलिटी आपका एक्सपीरियंस एंड प्रूवन ट्रैक ऑफ सक्सेस अमेजोन की तो है हाउ डू आई ट्रस्ट यू फॉर आई टी हाउ डू आई ट्रस्ट यू फॉर एनी थिंग बियॉन्ड अमेजन एंड एंड लेस You can tell me, okay, "Listen, like while I, I I have read Metaverse, and so I'm speaking about it, but the nuance to that is actually built around my partner, who is much more, uh, who has the right experience, who has the right, uh, you know, exp uh, proven track record." वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप ये तो कह रहे हैं कि मैं इंडक कर रहा हूँ मैं उनको ट्रेन कर दूँगा मैं वो सारा कुछ कर दूँगा लेकिन मेरे पास वो सक्सेस स्टोरीज पार्टनरशिप की फॉर्म में नहीं नज़र आ रही जिस जिसपे एक व्यूअर ये कह सकता है कि यार ठीक है मैं अमेजान तो में इतने तो तो इंटरेस्टेड लेकर मैं दूसरी चीज़ के लिए आ जाता हूँ देखिए मैंने इसका एज आई सेड कि मैंने इसका सोल्यूशन डेवलप किया है और सोल्यूशन मेरे पास ये है कि मैं इनक्यूबेशन के अंदर बच्चों की फैक्ट्रियाँ निकालना चाहता हूँ अच्छे एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना चाहता हूँ मुझे दो किस्म के वर्कफोर्स क्रिएट करनी है एक अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं और एक अच्छे एजेंसी ओनर्स या बिजनेस ओनर्स बनेंगे मैंने दोनों प्रोड्यूस करने हैं अब आ जाइए पहला मेरा गोल ये है मेरी फैंटेसी ये है कि मुझे पूरी कॉम को अमेज़ॉन पे नहीं छोड़ाना तो मेरे पास इस वक्त थर्टी थ्री परसेंट नॉन अमेज़ॉन की सर्विस पे बच्चे काम कर रहे हैं इनक्यूबेशन में मैंने इसको लेके जाने सिक्सटी सिक्स पर अमेज़ॉन को रिड्यूस करना है मैंने वक्त के साथ मेरे ऑलरेडी गोल्स से लाइंड है सेकेंड मैंने इंस्परेशन क्रिएट कर रही है जो कि मैं आप स्टार्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे मेटावर्स का एक शख्स आके इनक्यूबेशन के कोई 1200 बच्चे ऑनलाइन वो सेशन देख रहे होंगे तो एक घंटे का लेक्चर देगा 1200 में से प्रॉब्ली शायद सौ बच्चे बोलेंगे अरे ये तो मेरे लिए बस वो दिन था उनके वो चेंज हो जाएंगे वो बोलेंगे अमेजोन साइड पे मुझे तो ये जाना है और ये मुझे सनी भाई क्या ख्याल है मैं ये कर सकता हूं अच्छा अब वो मुझे पहले अपनी प्रोफाइलिंग बताएगा सनी भाई मेरी ये प्रोफाइल है आपका क्या मशवरा क्योंकि सनी भाई मेंटोर हैं सब सनी भाई से मशवरा तो लेते ही है तो मैं उनको बोलूंगा हाँ ये आपके लिए सूटेबल है आप चाहो तो मेटावर्स में घुस जाओ लेकिन पाथ लंबा है दो तीन साल का जर्नी है ये आपको जर्नी परफॉर्म करना होगा मेटावर्स की छोटी सी एजेंसी बनेगी उसके पा, पांच छह एम्प्लॉयज होंगे वो बाहर से काम लाना शुरू करेगा या या उनमें से कुछ एजेंसी नहीं बना पाएंगे तो वो अच्छी जॉब में कहीं हुकअप हो जाएंगे अब ये जर्नी स्टार्ट होगा मुझे लगेंगे दो साल ठीक है दो साल के बाद मैं किसी पोजिशन में होऊंगा कोई नंबर देने के काबिल होऊंगा अभी तो ये मेरी फैंटेसी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त चले भाई वेर एट दी आई बिलीव वेर आर आवर मार्क Um, one hour, 30-minute mark or two-hour mark, i'm not sure, but uh, already a coffee, extensive ho gaya hai. so i would like to thank you so much for coming in and uh, sharing all that insight, and uh, thank you for taking a lot of my, uh, uh, you know, many, but aggressively, after grill, kia, or uh, uh, thank you so much for that, and i really appreciate uh, the fact that you're, uh, you know, open about having these conversations. अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ आ दीपल ऑंट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलफ दिखते हैं uh, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जो है यूर योर सम वन हुज़ बिगनिंग टू और बिगिनिंग काफोर बट हुज़ रेडी टू हैव कॉन्वर्जेशन रेडी टू से एक लेसन लाइक evolution I think that's most important where the, the, the individual can say hey, listen I don't know the answers to everything and I'm as much of a human I'm uh, and 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 you know come work to let's, uh, let's solve the problems of the world together and I think that's the most beautiful part I'm going to ask you one last question and generally ask yeah. all of my guests um those are up 77 ke to aap, uh, samaj ke 45 45 yeah. Uh, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो एक्चुअली ही ऑल्सो फ्राम सेवेंटी सेवन तो uh, आपके हम एज हैं uh, आज से अट्ठाईस साल बाद का पाकिस्तान दो हज़ार पचास का पाकिस्तान जो है उसको आप कैसा देखते हैं नोइंग वॉट यू नो नाओ आपने बड़े मुख्तलिफ़ यू uh, नो you know, मुल्कों का बताया आपने जहाँ पर आपने स्टे किया आई एम श्योर आपने ट्रैवल उनसे भी ज़्यादा मालिक में किया होगा uh, तो उन सबको देखने के बाद इतना अर्सा बाहर गुजारने के बाद पाकिस्तान में आके ये सारा कुछ करना ये ड्रीम बनाना उसमें बहुत सारे एरियाज़ में सक्सेसफुल होना बहुत सारे एरियाज़ में फ़ेल होना रिसेंटली क्रिटिसिज्म लेना क्रिटिसिज्म के बाद उसको फेस भी करना पब्लिकली आकर एंड देन ओवरऑल जो अप्स एंड डाउन आप देख रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप 2050 का पाकिस्तान 28 साल फ्राम नाव नो इंग वॉच यू नो नाव सी इंग वॉच यू सीन कैसा देखते हैं uh, नहीं मैं तो ऑनेस्टली नहीं प्रडिक कर सकता 2050 में पाकिस्तान कैसा होगा इट्स वेरी हार्ड टू से मैं किसी किस्म की प्रोडिक्शन नहीं दे सकता ना मैं समझता हूँ मैं काबिल हूँ कि मैं 30 साल की प्रोडिक्शन दे सकूँ uh, ये कि क्योंकि अगेन गवर्नेंस पे भी डिपेंड करता है गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस अगर हम बैड गवर्नेंस के हाथ में चढ़ेंगे तो हम सोमालिया की तरह एक फेल स्टेट बन सकते हैं uh, अगर हम गुड गवर्नेंस में आ जाएं तो हो सकता है मलेशिया की तरह एकदम तीस साल में एक डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएँ तो तीस साल इज अ ऑफ टाइम चाइना को तीस साल लगे हैं कहां, कहां, कहां से कहां चला गया मलेशिया तीस साल में कहां से कहाँ चला गया और कुछ मुल्क हैं वेनेजुएला को देख लें आप तीस साल में कहाँ से कहाँ चला गया तो आ, तीस साल इज टू मच नहीं एंड एंड बट अगर मैं आपसे कहूँ आप कि प्रॉब्ली मुझे जज मैं आपको भी बताता हूँ कि ज्यादातर जो लोग आते हैं वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट अलमियाँ हमारा ये है कि वो आके हमेशा ये कहते हैं कि यार गवर्नेंस यू नो इज मेजर क्वेश्चन मार्क If I were to ask you, ignore the governance. Mm -hmm. Governance is mediocre. It's not the best. But it's just doing its job. Not the most corrupt leaders. दे दे दे. Uh, most of the world is like that. आप Malaysia, um, Erdogan, But for most part, most countries have like mediocre leaders. Democracies are telling you know things happen. सो so, मीडियोक्रिटी के साथ अगर गवर्नेंस होती रहे तो बाकी आप इंडिकेटर्स क्या कि आपने जाहिर है आपने नौजवानों के साथ भी इंटरेक्ट किया पिछले पाँच सालों में आपने कॉपरेट के साथ भी इंटरेक्ट किया आपने बचपन भी गुजारा है इस मुल्क के अंदर आपने अब का टाइम भी देखा आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रहा है मुल्क अगर मैं ज्यूम करूं कि जी गवर्नेंस वाला पार्ट ओके जा रहा है नॉट सो गुड नॉट सो बैड तो फिर उस पर, पर अगर मैं उस ग्लासेस से चीज़ों को देखूं, तो मैं फिर एक प्रोग्रेसिव व्यू देखता हूं, प्रोग्रेसिव हैं लोग एक हद हाँ तक क्रिटिकल थिंकिंग भी है एक हद हाँ तक है बहुत ज़्यादा तो नहीं है आ, आ, तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन वल सॉल्व लॉर प्रॉब्लम्स तो एजुकेशन इज़ टू इम्पॉर्टेंट इज जस्ट टू इम्पॉर्टेंट अगर एजुकेशन अरबन सिटीज़ के अंदर मैं देख रहा हूँ एजुकेशन बहुत अच्छी है लोग एजुकेटड uh, तबका नजर भी आएगा आपको छोटे शहरों में अभी कम है uh, तो देट वुल सॉल्व प्रॉब्लम्स प्रोग्रेसिव है लेकिन अगेन मैं 30 साल की प्रेडिक्शन तो फिर भी नहीं दे पाऊंगा मैं यू स्टे समवेयर इन द मिडिल आप ये नहीं कह सकते कि ग्राफ आपको ऊपर या नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है चलिए सनी भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट एंड यू नो टेकिंग द टाइम आउट फॉर फॉर अस एंड फॉर आवर ऑडियंस थैंक यू बहुत शुक्रिया एंड फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगर आपको एपिसोड पंद आएगा अपने दोस्तों के अनुने साथ जरूर शेयर करिएगा इसकी अपलोड uh, डेट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly कौन सी हमने फाइनलाइज की है uh, ये भी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि इस हो सकता है हम इसको एज अ स्पेशल एपिसोड अपलोड कर दें और जो हमारी रेगुलर प्रोग्रामिंग है वो आज से दस से पंद्रह दिन बाद रीस्टार्ट हो uh, और ऐसा भी हो सकता है कि इस एपिसोड के बाद यू नो मंडे फॉरवर्ड आपको अगली एपिसोड आना शुरू हो जाए बट वॉट एवर इट इज़ वन थिंग इज सर्टन वी आर बैक Uh, Alhamdulillah and uh, you know we will be restarting this either with this episode or the next one um, thank you so much for staying with us thank you so much for praying for us um, and thank you so much for for watching this um, this was Sayyid Muzamil Hassan Zaidi you were watching Thought Behind Things thank you so much for watching and I'll see you in the next one